बड़ा नीचे करो तो उठाए इतना ऊपर हो जाए निजाए साहिल पार हो जाए
الله الرحمن الرحيم اے میرے پروردگار درجے درجے کے پالنے والے ہر دل میں سمانے والے ہر دل کی بات جاننے والے محتاجوں اور اکانکھوں کی مدد کرنے والے ہم سب سوال کریں آپ کے بارگاہ میں آ کر آپ سے مخاطب ہو کر دعا مانگتے ہیں Honorable Principal Sir, respected our today's guest from the Institution of Government High School Lotsum and Government Girls High School Pashkim, and respect towards our beloved lecturers, teachers, non-teaching staff members, and my dear brother and sister, a very good morning to all of you, as well as Assalamu Alaikum. I, Zahra Sheikh of Class 12th, is standing here to conduct today's morning assembly. Before starting the assembly, I would like to represent some few lines, and that is, Mushkilon se bhag jana aasan hota hai, har pehlu zindagi ka imtihan hota hai. Mushkilon se bhag jana aasan hota hai, har pehlu zindagi ka imtihan hota hai. Darne walon ko milta nahi kuch zindagi mein, ladne walon ke kadmon mein ye sara jahan hota hai. With this positive line, first of all, I would like to invite our honorable and respected principal, sir, you please come on the dais and share your welcome speech with us. यहाँ पे आए हुए respected staff members और प्यारे बच्चों, high school girl high school पश्चिम के इंचार्ज हेडमास्टर और उनके साथ आए हुए स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, अपनी स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को आज के इस प्रोग्राम में मैं और तमाम हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और सारे बच्चों की ओर से आप मेहमानों को यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज दिन भर का यह प्रोग्राम आप लोगों के लिए मीनिंगफुल और एक फ्रूटफुल रहेगा और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ आपस में मिलजुल के बैठ के डिस्कशन करके बहुत से हमें कुछ नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे स्टाफ मेंबर्स भी जितने भी बाहर से आए हुए स्टाफ मेंबर्स से बहुत कुछ हमें भी उनसे हमें भी कुछ सीखने को मिलेंगे नए नए आइडियाज उनसे हमें मिलेंगे नए नए चीज़ें उनसे सीखने को मिलेंगे और हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ से भी आप लोगों के स्टाफ मेंबर्स भी हमारी स्कूल से हमारे टीचिंग स्टाफ मेंबर्स से बहुत से कुछ बहुत से नए नए चीज़ें बहुत से नए टेक्निक्स बहुत से नए आइडियाज़ आप लोगों को भी हमसे मिलेंगे और मैं बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी आप लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग किस तरह के एक फ्रेंडशिप आप लोगों में बनाना एक नाइस फ्रेंडशिप सर्कल बनाना और बाद में हम यहाँ आप लोगों के लिए हमने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी रखा हुआ है तो वहाँ से भी आप लोगों को एक कैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप लोगों में कैसे लाना है वो भी आप लोग यहाँ पे सीखेगा तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आता इन नर्चल कि आज के इस प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ नए नए चीज़ें नए नए आइडियाज नए नए टेक्निक्स नए नए मेथड्स हमें सीखने को मिलेंगे ताकि आगे जाके हमारे स्कूल में कैसे हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो मैं इन शब्दों के साथ ज़्यादा ना वक्त लेते हुए आप सब मेहमानों का आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर मैं अपने स्कूल और हमारे तमाम स्टाफ मेंबर्स और बच्चों की ओर से वेलकम करता हूँ थैंक यू वेरी मच रिंथोस पेरान नंबो गोजुक पेन उत्पा खुरतांस ने स्कूल गए थोत जनाब प्रिंसिपल साहब वक़्त पूछ नवाजी दि खुरतांसी दिखोरतांस बोला गैर तामो फरिस खरखोरी हालात रोल्ला मोजिन बा फरिस मायास खबर जरखन बोला दि मिसरा पनम बो दावत मिनफिन रुगुन पर गुन चिक दे नगी इस बैर पोखोरंग बैर चिमालुस रुगुन पर गुन चिक दे नगी इस बैर पोखोरंग बैर चिमालुस छुई दे थिक्स पान जर छर स्तन मगिली शर चिमालुस छुई दे थिक्स पान जर छर स्तन मगिली शर चिमालुस दाना मिसरे स्त्रोलिका मायास जुआ फुलेत फातिमा बतूल तलावा सीनियर क्लासिका ना खबर फातिमा बतूल
भारत ना बांग्लादेशी बरियां सोपानी थो एक रब सोसिन कनेक्टिविटी तवानाई छी वसाइल छोंलेन सरमायाकारी स्ट्रोंगलुक्स डोनार गैस्ट्रिक निस्कुई फिया फांतोक चनियोत पी यशमावन गामा दी ग्रास्प पे खातुक सियानुक द्रसे योत पिन लद्दाख से रंगवांग रियोली एरगेस कौंसिल करगिली गोवा फिरोज अहमद खान इस दिरिंग कौंसिल सेक्रेटरी ला यूरबास्ता हल्कान यानुक ट्रिप इरिगेशन दोना लिफ्ट इरिगेशन स्कीम उन्नी कने युत पी Respected principals, teaching and non-teaching member of hosting school, other teaching member of guest school, dear friend, good morning. Before I start my topic, I am thankful to education department and my school management for providing me chance to share my idea. As we know that students' life depend on examination. Examination is defined as the evolution of the understanding of the knowledge of a person. So today my topic is examination system in India. Examination are the most important part of a student's life. The future of it depends upon how they have performed in the examination. According to some report and source, the present examination system in India requires some change. Because today examination system are not a complete test of their abilities. For example, some students are good at painting, some at sketching and several other activities as well. Today examination system do not justify the interest of those students. Only organizing exam and providing guards, not other method of evolution. Our studies include more than 80% theory and less practical. There should be analytical question which can make students use his brain. How wages is to be given for practical and activities which are absent in present examination system. To conclude, example of Delhi education system is before us. Now Delhi school are performing well, have name and fame. Therefore, I request high authorities education department kindly look into the matter and do needful change in examination system so that we produce educate once then quietly. Once again, I thank you all for patient hearing to me. Thank you. Mr. Shabbir Hussain from class 11th, you please come on the podium and share the today's thought of the day. Merciful, who is the most beneficent? Respected principal, sir, headmasters of our guest schools, and my dear friends, a very good morning to all of you. Today, I, Shabbir Hussain, standing here to share the thought of the day. Time is free, but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. The key is not to spending time, but in investing it. The time is most valuable thing a man can spend. Thanks to all of you. Have a great day. देवील झाला आयाज यंग आई दरा छोत चिकला मिसरा चिकी स्त्रोलिका जो आफुलेत शहर एस बी आर जेर बिरगा मेघ मेत नि यूलिंग यंग तक लेका शहर एस बी आर जेर बिरगा मेघ मेत नि यूलिंग यंग तक लेका स्टोरे मेत तो चिक्री कुकुर बात पोना छर जर चिमालुस त्याना मिसरा पण स्त्रोलिका आयाज जो आफुलेत फातिमा निसा सीनियर तलबी कना की यार इखस क्यों दे यरी मौजू पमल बरगोसक Almighty Allah, the most gracious and the most merciful. Respected Honorable Principal, today's guests, lecturers, teachers, and my dear friends, a very good morning to you all. I, Fatima Nisa from Class 12, is standing here to share my thoughts on women empowerment. Women empowerment is a combination of the two words, women and empowerment. Empower means giving someone power by educating each and every girl child is the right way to raise their voice against any abuse. Restriction.
The first thing need for decision making is education, literacy and training to help them improve their position. Empowering our women helps to improve the country's growth. Women are considered as the backbone of a family. She handling the children, parents, cooking are multitask works. A woman is the beautiful creation of God is the fact that great personalities are born from the woman's womb. A mother is the first teacher of a child. If a woman have no education, how can they teach a child properly? Savitri Bai was the first female teacher in India. She opened a school for girls with her husband Jyoti Rao. She faced harassment from others because of this. Provide better education to girls. Principal sir, staff members and my dear friends, a very warm good morning to you all. I am Reen Fatima. On behalf of Government High School Lozum, would like to share my views regarding today's program. As we are feeling lucky and fortunate for being part of Twin Income Exposure 2, to witness and monitor the culture of higher education so closely. Perhaps we are sure that these twinning programs yield us fruitful results to redeem our power of analyzing, thinking in respect to education. Indeed, this type of exposure tour will open a new horizon in the minds of students to enrich their journey of education to different perspectives to develop new ideas which should be based on ethics or moral education. As the higher students being senior in the fields of education, coupled with more experience and broader concept can infuse the treasure of knowledge to the lower classes. Together, we will endure to in the culture of root learning and switch over to value and outcome-based knowledge. We are sure this type of twinning program help us to develop a scientific temper to carry our education level to the zenith of excellence. Thanks for being with me. Have a nice day. Student of Government High School Lozum, di vilzala ngay juha fule deza do ehtaram na yambo ngay ustad mohtaram sir Zakir Rifiq pula ki yarang yore yarang di kaskyo de yari samzun mol bagosuk. Shaitani rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Qabil ehsat ehtaram principal sir aur baki बाहर से आए हुए हमारे मेहमानान अज़ीज़ और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धूप काफ़ी है और आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, मुझे एहसास है। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक दो बातें आपकी समातों तक पहुंचाऊंगा आज के प्रोग्राम के हवाले से। दो मिसरों के ज़रिए से अपनी बात का आगाज़ करूँ। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इन्हीं मिसरों के साथ मैं ज़्यादा तूल न देते हुए हमारे सभी मेहमानान अज़ीज़ का और बाहर से आए हुए हमारे स्कूल्स के बच्चों का मैं अपनी ओर से और हमारे पूरे परिवार की ओर से अस्तह दिल खैर मकदम करता हूं। और साथ ही साथ ये बताते चलूं, हमारा आज का असेंबली का प्रोग्राम यहीं पे अख्तिताम होता है। इसके बाद हम लोगों को जो है आईसीटी लैब जाना है, वहां पर हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम होगा टीचर्स के साथ। बाकी जो हमारे बाहर से स्कूलों से आई हुई टीचर्स हैं, हमारे एक दो टीचर्स के नाम है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को डेमो दिखाएंगे कि किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या होता है। वो थोड़ा सा प्रोग्राम होगा, बच्चों के लेवल पर होगा इंशाअल्लाह रहमान। फिर वहीं पर ही हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम के बाद वहाँ पे आप लोगों को जो है रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा टी ब्रेक का हमारा थोड़ा सा गैप होगा। फिर उसके बाद हमारा विजिट होगा
स्मार्ट क्लास में आप लोगों को विज़िट करना होगा। वहाँ पर हमारे टीचर साहबान बैठे हैं, वो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, वहाँ पर बता देंगे। फिर उसके बाद हमारा एस्ट्रोनॉमी लैब में जाना होगा, वहाँ पर इंचार्ज हमारे खादिम सर बैठे हैं, वो आपको बता देंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद हमारा लैब पर जाना है, वहाँ पर हमारे शब्बीर सर वगैरह बैठे होंगे, वो आपको बता देंगे कि लैब में क्या होता है और किस तरीके से हम बच्चों को जो है प्रैक्टिकल्स वगैरह कराते हैं। फिर उसके बाद लाइब्रेरी में आपका विज़िट होगा, लाइब्रेरी में हमारे अली सर बैठे होंगे, वो आपको बता देंगे लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी के नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, क्या क्या कायदे और कानून होते हैं, और क्या हमारे लाइब्रेरी के अंदर किस तरीके का हमारा एक प्रोग्राम सेटअप किया गया है, वो आपको बता देंगे। फिर उसके बाद लंच ब्रेक होगा, लंच के लिए हमने अच्छा खासा इंतज़ाम किया है जितना हमसे हो सके, तो आप लोग आनंद लीजिए, खाइए पिए, मज़े से रहिए। फिर उसके बाद हमारा गेम का थोड़ा सा एक प्रोग्राम रखा है, हम उम्मीद करते हैं उस गेम में भी आप थोड़ा सा एंजॉय करें, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। फिर लास्ट में गेम के बाद हमारा यहाँ पर शॉर्ट, बहुत ही मुख्तसर सा, थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए एक प्रोग्राम होगा, थोड़ा सा कि लास्ट में ये बता दिया जाएगा कि कंक्लूड, जिसको हम कहेंगे नचोड़, कि आज के इस प्रोग्राम से हमको क्या सबक मिला और आइंदा जो है हम किस तरीके के प्रोग्राम हमें जो है इनकाद करने चाहिए। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं यहीं पर अपनी बात को इख्तिताम करता हूं। शुक्रिया आप सभी लोगों का, एक मरतबा फिर अस्तह दिल शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्रिंसिपल सर, हमारे इस स्कूल के और इस इदारे के जो है ज़िम्मेदार शख्सियत, और फिर हमारे बाहर से आए हुए गर्ल्स हाई स्कूल पस्क्यूम से आए हुए तमाम स्टाफ मेंबरान, और एचएस लोचुम से आए हुए तमाम मेंबरान, और प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर ज़्यादा आप लोगों के बीच में हाइल नहीं होते हुए एक दो बातें आप तक पहुंचा के हमारे इस लैब के जो है इंचार्ज इसाक सर को मैं दावत देता हूं कि वो आपको थोड़ा सा डेमो दिखाएंगे कि लैब में हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। लोग जानते हैं एजुकेशन आज के इस दौर में, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी में, आज के इस दौर में हर कोई एक रेस में लगा है, रेस में भागने के लिए कि भाई क्या है, पढ़ना है, एजुकेटेड बनो। एक धमाल सा है, मैं ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाते हुए सिर्फ इशारतन एक बात कहकर जो है, क्योंकि समय भी नहीं हमारे पास काफ़ी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है हमारे स्कूल के अंदर, एक धमाल मचा हुआ है कि भाई एजुकेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक मेरी सोच है, मैं अपनी एक बात आप तक, बच्चों तक पहुँचाना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर बात ये करते हैं कि एजुकेशन की, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, जिसके अंदर इंक्लूड होती है बहुत सारी चीज़ें, मॉरल एजुकेशन। एक बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, मुमकिन है बन जाए, अल्लाह करे कि सारे के सारे डॉक्टर्स बन जाएं, सब के सब इंजीनियर बन जाएं, सब के सब जो है बड़े आईएएस अफसर बन जाएं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर बने, अगर उसके अंदर तहजीब नहीं हो, अगर उसके अंदर मॉरल एजुकेशन नहीं हो, अगर वो हकीकी इलम उसके अंदर पाया नहीं जाता है, तो वो डॉक्टर कल किडनी चोर डॉक्टर भी बन सकता है, अगर आप तरबियत नहीं करेंगे बच्चों की, ये एक हकीकत है। एक इंजीनियर बनता है, एक करप्ट इंजीनियर, वो सीमेंट की जगह पर जो है अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए जो है रेत ही रेत मिलाकर एक साल के अंदर अंदर बड़े बड़े जो है बिल्डिंगें और पुल जो है वो सत्यानाश हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन का होना बेटा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए आजकल के बच्चों को। और बहुत ही अच्छी बात, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, अक्सर आप लोग देखते रहते हैं ये चीज़ें, यानी वेल टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सर्कस पे बैठा हुआ शेर भी चाबुक के डर से कूद के बाहर आता है तो हम उसको वेल टैलेंटेड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं कहते हैं। आज ज़रूरी है वेल एजुकेटेड बने, और वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों के अंदर होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम्स होते रहें ताकि आप लोग आपस में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, टीचर्स आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकें, बच्चे एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के हालात से आगाह हो सकें, ताकि बच्चों को एक नया एक्सपोजर मिले और उनकी ज़िंदगी में जो है जो भी मुश्किलें हैं वो अपने दम पे उन मुश्किलों को दूर कर सके। मैं ज़्यादा अरस नहीं करते हुए मैं बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से मैं हमारे इसाक सर से गुजारिश करूंगा, हमारे इस लैब के इंचार्ज, कि वो यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा जो है डेमो दिखाए। प्रिंसिपल सर,
visited school ke headmasters, teaching and non-teaching staff members, dear students, assalamu alaikum and good morning. सबसे पहले जो हमारे दो विजिटेड स्कूल्स है, हाई स्कूल लोचम और GHS पश्चिम, उनका हम बहुत शुक्रगुजार और वेलकम करते हैं कि इस पार्टनरशिप या ट्विनिंग प्रोग्राम के तहत आप लोग हमारे स्कूल पे तशरीफ़ लाए और आपस में हम प्रोग्राम्स को, वीव्स को, आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे. एक ऐसा प्रोग्राम है, इसी के लिए आप सभी का वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच हमारे स्कूल पर विज़िट करने का. तो ये हमारा ICT लैब है डियर स्टूडेंट्स. इसको लास्ट ईयर फुली ऑपरेशनल हुआ था. ICT लैब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, एक हफ्ते के बाद जब हम बुकिश नॉलेज उनको प्रोवाइड करते हैं तो वो बेचारे बोर हो जाते हैं. तो वो बेचारे बोलते हैं, बस सर हमें कुछ और सुनाओ, नया आइडिया, हमें कुछ और इनोवेटिव आइडिया, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाओ, हमें बुक बहुत हो गया. फिर वो टीचर को भी बस बोलते रहता है, क्योंकि वो बुकिश नॉलेज से एग्जॉस्ट, टायर्ड हो चुका है. तो उसी बुकिश नॉलेज को, उस बुक में जो हम पढ़ाते हैं, जो हम बोलते हैं, उनको बिलीव भी थोड़ा कम होते हैं. ICT एक ऐसा लैब है, एक ऐसा फुली इक्विप हमारा एक क्या कहते हैं लैब है, जिसमें हम पूरा डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकली हम उनको दिखा सकते हैं कि क्लास रूम में क्या होता है. ठीक है ना? एक इसीलिए जो मैं क्लास में आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो क्लासरूम में अलग है, लैब में अलग है. ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा. दूसरा, ICT लैब का इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है. इस कंप्यूटर के ज़रिए आप लोग अपने जो बेसिक स्किल्स है कंप्यूटर का, वो आप इन्हेंस कर सकते हो. यहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स में MS ऑफिस या MS पेंट, MS एक्सेल्स जैसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है. उनके ज़रिए आप अपने जो स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स, पेंटिंग की स्किल्स, या जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, आप उनको गेन कर सकते हो. दूसरा इस ICT लैब का एडवांटेज है. थर्ड, इसका एडवांटेज ये है ICT लैब का कि जितने भी नेशनल लेवल है या स्टेट लेवल के जितने इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, आप उनको ऑनलाइन यहाँ पर देख सकते हो ICT लैब के ज़रिए. दिल्ली में कोई बड़ा एजुकेशन से रिलेटेड टीचर्स डे जैसे कि रिसेंटली ही मनाया गया, पहले हमारे दौर में हम उसको नहीं देख पाते थे. आप यहाँ पे जो कुछ हो रहा है यहाँ आप देख सकते हो कि टीचर्स डे क्यों मनाया, क्या वहाँ पे प्रोग्राम्स, टीचर्स डे किस लिए मना रहा है, कौन कौन से टीचर्स के विनर्स है, मीन्स जो स्टेट और जो नेशनल लेवल के जितने इवेंट्स है, सेमिनार्स है, डिबेट डिस्कशंस है, उनके बारे में भी आप ICT लैब के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हो. ठीक है? और इसका मतलब ऑल इन ऑल बहुत सारे ICT लैब का एडवांटेज है. ICT लैब से एक बच्चा जो है फुली अपडेटेड एंड इंफॉर्मेटिव बन सकते हैं. ठीक है? तो इसी से रिलेटेड मैंने क्लासरूम में, शायद बाकी स्कूलों के स्टूडेंट्स को भी बताया होगा, क्लासरूम में मैंने बायोलॉजी पढ़ाया तो बच्चे इतना इंटरेस्टेड नहीं था. मैं जो बोलता था उनको बिलीव भी नहीं होता था, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एडोलेसेंस एंड ड्रग्स एब्यूज़ के ऊपर. एक छोटा सा PPT बना के लाया है कि एडोलेसेंस क्या होता है और एडोलेसेंस और ड्रग्स एब्यूज़ में क्या रिलेटेड है. ठीक है ना? उसके बारे में हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर पेश करेंगे. एडोलेसेंस हम किससे बोलेंगे? एडोलेसेंस अभी 9 और 10 के बच्चों को पता होगा. आप लोग हम अभी का जो आपका एज है, 9, 10 या 8 क्लास के जो बच्चे हैं, वो एडोलेसेंस है. मींस द एज ग्रुप बिटवीन 12 और 18 ईयर्स. कौन सा है? 12 और 18 ईयर्स. यहाँ पे लिखा है, देखो 12 और 12 से 18 साल का जो एज ग्रुप है उनको हम एडोलेसेंस बोलेंगे. ठीक है ना? आप लोगों की करियर का ये सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन फेस है. अगर इस एज में आप लोगों को सही गाइडेंस मिला, काउंसलिंग मिला, मॉरल एजुकेशन मिला, तो आप सही रास्ते पे सही गाइड हो जाएगा आपका. नहीं तो आप ऐसे रास्ते पे, मतलब आप डीरेल हो जाएगा कि आप वहाँ से दोबारा आपको सुधारना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है? एडोलेसेंस हो गया हमारा जो 12 से लेकर 18 साल, मीन्स जितने भी बच्चे बैठे हैं वो एडोलेसेंस इन चुदिन चुमें चुक. इसके अंदर एडोलेसेंस एज में आपके अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं. यो मत, बहुत सारे आप लोगों के अंदर
एक क्या सेकेंडरी सेक्चुअल्स करेक्टर्स आते हैं, ईगो आते हैं, आपके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर अप्रोच आते हैं, वो सब एडोलेसेंस का एक करेक्टर है, ठीक है। और एडोलेसेंस और ड्रग्स का क्या रिलेटेड है, आप लोगों का ट्रांजेक्शन फेज है, ये ट्रांजेक्शन फेज में इस फेज में आप लोग क्यूरस होते हैं। क्यूरस किससे बोलते हैं, क्यूरस मीन्स कुछ नया करना, एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स मैं नया करूँगा, मैं कुछ और नया यूनिक बनूंगा, मैं बिल्कुल हीरो सलमान खान बनूंगा, मैं एक दूसरा एक्टर एक्ट्रेस बनूंगा, बिल्कुल मेकअप करते हैं, बिल्कुल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का ये एक एक्सपेरिमेंटल फेज है, ठीक है, एडोलेसेंट फेज। और इसमें उस एडोलेसेंट फेज में आप इसीलिए ड्रग्स का भी आप एब्यूज़ हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर तो आप लोग ही है कि नहीं, हमारे सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर आप लोग हैं। जब आप लोगों को सही एजुकेशन मिलेगा तो हमारे सोसाइटी का फ्यूचर ब्राइट है, नहीं तो हमारा पूरा लद्दाख जो है बर्बाद हो जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आप लोग ही है। आप लोगों को मॉनिटर करना, एजुकेशन इम्पार्ट करना हम लोगों का टीचर का सबसे बड़ा रोल है। इसीलिए इंडिया में आज के डेट पर जो है 7.5 करोड़ एडोलेसेंट जो है ड्रग्स एब्यूज़ का शिकार है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लाया। एडोलेसेंस इंडिया में 7.5 करोड़ बच्चे ड्रग्स एब्यूज़ का शिकार है, बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। और पंजाब में जो 75% पॉपुलेशन है वो ड्रग्स का शिकार है, पंजाब में 75% पॉपुलेशन, और पंजाब में हर 4 बच्चे में से 3 बच्चा ड्रग्स लेता है, ठीक है। और छान इसीलिए मैंने आप लोगों को एडोलेसेंस एंड ड्रग्स लाया। यहाँ पर आप लोगों का ये आप लोग है, ये आप लोगों की क्लास की लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये आप लोगों की एज ग्रुप का है, एडोलेसेंट ग्रुप का है। 7 लाइफ का 7 स्टेज होते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे 6 स्टेज दिखा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 6 होते हैं, यहाँ पे 5 दिखा रहा है, एक जो है आपका जो फीटस स्टेज यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। 6 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज दिखा रहा है, इसमें से आप लोग इस स्टेज में हो, ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर आप हम देखेंगे आप एडोलेसेंस हो गए आप लोग, इसके बाद हम देखेंगे क्या कहते हैं ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स मेडिसिंस को भी हम ड्रग्स बोल सकते हैं, जो दवाई हम खाते हैं वो ड्रग्स है। लेकिन ड्रग्स दवाई के बगैर कोई कोई बंदे जो ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं एक्साइटमेंट और फीलिंग के लिए, प्लेजेंट फीलिंग के लिए, प्लेजर, जिससे उसको बिल्कुल खुशी ही खुशी महसूस होता है, रगत तंगन मन ख्याली दुनिया में खुरी दुनिया चंखोरम खोलन दुखचन, जब उसके लिए वो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स मेडिसिन वो इस्तेमाल करते हैं, उससे हम ड्रग्स कहेंगे, ठीक है। इससे दवाई के लिए वो यूज़ नहीं कर रहा है, वो किस लिए यूज़ कर रहा है, यहाँ पे लिखा है गिव देम प्लेजेंट, प्लेजेंट में चेज़बल खुशी माना खुरी थप्पा बिन सजन देखने लगते कोरस, और उनको एक्साइटमेंट फीलिंग होगा, एक्साइटमेंट मैंने आहा इतना मज़ा दिल पर हो रहा ना, बढ़िया एंजॉय ठीक दुखदा बिन सजन सो, इसको हम बोलेंगे ड्रग्स। क्या बोलेंगे, ड्रग्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ड्रग्स के सोर्सेस है, ये ड्रग्स के क्या है, दुन गामा ड्रग्स दुनी थी प्लांट्स निकलता था बच्चों, ये है चरस, चरस इससे मिलते हैं, दिखना था कैनाबिस, इस कैनाबिस पोंग चाहते खोचन देखना लकपे कजू अज्रिल है, उसका हमें पाउडर जैसा मिलेगा, ओदो देखना आते सिगरेट आता से थूचन, या हम उसको इनहेलिंग करेगा बस, जिसके बाद क्या क्या इफेक्ट होता है वो अभी हम दिखाएंगे। दक्षिण अतस्तान एक सोर्सेस है, ये दूसरा है ओपीएम है, ये कोकेन है, ये सब और बहुत सारे है, ठीक है। ये जो कैनाबिस है, ये कैनाबिस 1 ग्राम का 6,000 रुपया है, 1 ग्राम 6,000 का, ये कितना महंगा है देखो, क्योंकि मैं गरीबी के ऊपर भी कुछ थोड़ा डिस्कस करूंगा यहाँ पे, गरीब क्यों बनते हैं जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, खूब रोटी गलेब सोचन बेचारन गंगमा चौंग सर है, क्योंकि ये 1 ग्राम का 6,000 इसका प्राइस है, इसीलिए वो गरीब बन जाते हैं, ठीक है। ये है कुछ सोर्सेस, ये है चरस, ये आम यूज़ होता है, इनका जो मेन ये कल्टिवेटेड हमारे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, ये हमारे फसलों के लिए भी नुकसान थे, क्योंकि इनको केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इनको रेज़ करने के लिए, स्केच फीमिंग ने केमिकल फर्टिलाइज़र्स की इस्तेमाल करना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारे खेत क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र मोहम्मद अनाती जी ऊँची चचिन बंजर हो जाएगा शाबाश, ठीक है। क्यों लेते हैं आप लोग ड्रग्स, क्यों लेते हैं एडोलेसेंस, एडोलेसेंस ड्रग्स देते हैं, पीयर प्रेशर होते हैं, पीयर प्रेशर मैंने जो ग्रुप है खान उन्होंने इसको शिक्षण चुए सुनसु खेज और ड्रग्स लेन ख्या माना मन स्मार्ट लंचन सबसे स्मार्ट सोसाइटी ख्याल तंजन खेल ड्रग्स लेन पीयर प्रेशर होता है ख्या माना यूनिक चीज लंचन अमेजिंग आपको चीज़ें सपने में नज़र आएगा पीयर प्रेशर से वो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं एक दूसरा आता है डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स हैं सभी 8 के, आप लोग डॉक्टर बनना चाहता है और आपका जो फैमिली मेंबर है आपके ऊपर प्रेशर डालता है वकील तनमरुशा दुख मना सक्या थी मसला मना मंगो छे दुख देखना वकील तनमा जरूरी दुख जरचे। आपका जो एम इन लाइफ क्या है, डॉक्टर है ना, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आपके ऊपर फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा है कि आपको वकील बन जाओ। आपको एग्जामिनेशन में 70% परसेंटेज आया, फैमिली बोलते हैं 90% क्या मखोस 90% क्यों नहीं लाया। उस फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की वजह से बेचारे बच्चे जो है वो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है ना, उससे वो क्या करते हैं ड्रग्स लेते हैं। दूसरा लैक ऑफ सुपरविजन, नोर बलंग गुजरिस्तान मजूदा घर छाना सुन सर मलता चाहते बेचारे बच्चों के ऊपर कोई भी देखने वाले नहीं होते हैं। तखन ची बना वो नाम खमाय नायों फ्रेंड ची देखा सोचे दुख जो खो ना दर्शन फ्रेंड ची देखा सोचे दुख जो ची बने फ्रेंड ची देखा पता नहीं कहाँ बैठा है। लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से वो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन ना सिर्फ पॉइंट पर रिलेटेड चीन एक्सपेरिमेंटेशन मैंने नायक बचाया स्ना बोली तेज पकड़ा दर्शन साल तेज दर्शन एक्सपेरिमेंटेशन मैंने बुलिक चालते गाते चीछें दो ड्रग्स मैंने कंज्यूम पमेस ना बुलिक चालते वही बुलिक जो है थोड़ा लिटल अमाउंट ऑफ ड्रग्स जो है आप लोगों को क्या करेगा उस चीज़ की तरफ दा खुरान तो कहा हाँ फिर सब कुछ वही है। फर्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है लग्जरस लाइफ। लग्जरस लाइफ किससे बोलेंगे लग्जरस शहबत शाबाश लग्जरी मैंने अमीर माना जिंदगी मैंने मस्ती छाना पीने में ना मोह दे बच्चों को जितना पैसा चाहिए उतना ही देना चाहिए। बच्चों को दबा के हम लोग पैसा देता है वो 100 रुपये डिमांड करता है 500 रुपये देते हैं तो उस लग्जरस लाइफ की वजह से वो क्या करते हैं ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है ये है कुछ रीज़न जिससे क्या करते हैं बच्चे ड्रग्स लेते हैं। ठीक सो कितना रीज़न है शाबाश 5 रीज़न हवा थोड़ा समझ में आया। अच्छा आप इसके बाद ड्रग्स अंदर जाके क्या करता है ये क्या है दी डायग्राम पूछी इंचो ब्रेन पक्का इंचो शाबाश ब्रेन के कितने पार्ट्स है 3 पार्ट्स है वेरी गुड सो मच। ब्रेन के 3 पार्ट्स है फोर ब्रेन है मीट ब्रेन है और हैंड ब्रेन है ठीक है ना। इसमें जो देख रहा है सॉरी रियली सॉरी ये जो क्या कहते हैं जो यहाँ पे लिखा है वो थोड़ा साफ नहीं आया। यहाँ पे 3 चीज़ें लिखा है बेसल्स गेंगलिया 1 है दूसरा है एमेकडेला 2 तीसरा है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये तीनों 4 ब्रेन का पार्ट है किसका पार्ट है 4 ब्रेन का 3 पार्ट है। अंदर जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ड्रग्स अंदर जाके इन तीनों को म्यूटेशन कर देते दूसरे का ची बचन म्यूटेशन कर देते इन तीनों को अंदर जाके ड्रग्स फिर इन तीनों का बहुत फंक्शन होता है। इन जब ये तीनों नॉर्मल होता है तो आपके अंदर थिंकिंग अच्छा होगा क्या होगा आप क्यूरियस होगा आपके अंदर रूटीन बनेगा एक रूटीन मैंने आप टाइम पे खाना खाएगा टाइम पे सोएगा टाइम पे उठेगा। आपके अंदर फियरिंग होगा आपको कुछ नहीं आएगा तो डिसकंफर्ट होगा ठीक है ना और आपके अंदर प्लानिंग होगा थिंकिंग होगा और आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ क्या होगा एक कंट्रोल होगा दुन गंगमा दुन ठीक कहते हो ना दुन छचिन ठीक कहते हो ना कहते आप टाइम पर खाना खाएगा ठीक है टाइम पे उठेगा सोएगा पढ़ाई करेगा प्लानिंग करेगा थिंकिंग करेगा अपने आप को कंट्रोल रखेगा छिमी चुंचे थू मैंने शिक्षण जैसे कि एमेकडेला अगर आपका काम कर रहा है तो आपको कोई बड़ा आदमी डांटेगा तो खुआ शिक्षण वहाँ से आप लोगों को क्या कहते हैं बालू आ रहा है तो जिक से अलता से शोर छाचन बालू हों दूसरी चीज जब आपका एमेकडेला जो है माल फंक्शन होगा दी ना बालू अलता से बंग खेचन ये दोस्त फोन दो आके नजरें जब आपका कौन सा म्यूटेशन हो जाएगा एमेकडेला तो ये 4 ब्रेन का 3 पार्ट है इसको ये क्या कर देगा म्यूटेशन कर देगा कौन कौन म्यूटेशन करेगा इनको ड्रग्स इनको म्यूटेशन कर देगा ठीक है ना। अच्छा फिर देखो क्या होता है आपके अंदर सबसे पहले आ जाएगा एग्रेसिव बिहेवियर में देखा छुंचे चिची दवा से बच्चे पूरे झिंचा दाते बिल्कुल एकदम चिल्लाएगा उसके ऊपर दी करता दे गुस्सा इसका बुमो इसका दे वो क्या हो रहा है टीचर यहाँ क्लास है टीचर भी कुछ बोलेगा टीचर को स्टेयरिंग करेगा मिक जो कक संगसलता चेन ये उसको स्टेयरिंग करेगा। एक पहला सिम्टम्स उसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा बंदे के अंदर तो इसको थोड़ा लिटल डिस्कस करूँगा। फिर वो एनजाइटी में आराम दुखचन सामपे पूरा टू चांसों से पूरा गोए का लापात से ना दुखचन आराम से 1 मिनट है। फिर देखो वो इस तरह डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा इसका हालात देखो खुरंग सा चंग रोशा मीन एंटी सोशल बनेगा क्या बनेगा एंटी सोशल मीन्स
सोशलाइजेशन नहीं होगा मी मनर गोशा मिन खुरंग सा दुखचन दुन गंग मा मोबाइल खुर खंतम सा दुख रे न रे दक्षण अफसोस हमारे गरुंग में भी ये हालात आहिस्ता आहिस्ता बन रहे ना नंगा पूरा टू नेटवे मोबाइल खुर दुखचन देखिए उसको सोसाइटी नहीं चाहिए नंगा फैमिली अंग मैंने स्पेरा मैंने छचा मिन हमारे लंग्स को तबाह कर देगा ये क्या कर देगा लंग्स को तबाह कर देगा हमारे लीवर का हालात देखो यहाँ पे हमारे वाइटल ऑर्गन्स है लंग्स लीवर किडनी हमारे किडनी को ये डैमेज हुआ है दूंगा किडनी डैमेज हो हमारे किडनी को तबाह कर देगा हमारे लंग्स को वो तबाह कर देगा लीवर को तबाह कर देगा फिर जब हमारे अंदर कोमॉर्बिडिटीज आ जाएगा कोमॉर्बिडिटी शाबाश कोई भी गेस्ट वाले बोलेगा तो बहुत अच्छा महसूस होगा शाबाश वेरी गुड कोमॉर्बिडिटी आप लोगों ने कोविड में सुना होगा कोमॉर्बिडिटी चेज बात शाबाश शाबाश बताओ कोई ठीक है ना ऐसा ऐसा शिकार हो जाएगा ये हुआ वो मर्डर भी करेगा मर्डर टाइम मिला तो इस मर्डर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो क्लिप है अभी हम दिखाऊंगा मर्डर कैसे करते हैं गरीब कैसे बनते हैं वो गरीब इसलिए बनते हैं वो सब कुछ अपना बेच देगा अर्जुन तंग से पेने खेरचेन मीसा चेन चीटर बनेगा रोबरी बनेगा फॉल्स प्रोमाइसिस बनेगा मस आ खूंस तंगत दो खूंस तंगत ऐ जगह मदद लाऊंगा जेन पेने खेरचेन और वो पूरा किसी के ख़ानदान को वो क्या करेगा खाली करा देगा वो सोमसों अच्छा ठीक है शाबाश ऐसा ऐसा इसका बहुत इम्पैक्ट है आप यहाँ से देख सकते हो फिर हम उसको कैसे क्या करना पड़ेगा फिर समझो क्या करना पड़ेगा तो हमारे यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन मेजर्स है जिनके ज़रिए हम ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो ड्रग्स है सबसे पहले है सुपरविजन ऑफ द एडोलेसेंस सुपरविजन ऑफ द एडोलेसेंस मेरी चीज़ों उनके ऊपर हमें नज़र रखना है उनके ऊपर हमें क्या करना है नज़र रखने वो घर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है घर क्यों नहीं आता है वो क्यों उसका रीज़न क्या है घर नहीं आने का वो क्या कर रहा है पढ़ाई कर रहा है किस किस सोसाइटी में वो बैठ रहा है वहाँ हमें देखना है काउंसलिंग एंड एजुकेशन कम होता है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है काउंसलिंग और एजुकेशन क्या होता है कम होता है काउंसलिंग और एजुकेशन बहुत होना चाहिए जिससे बच्चे उस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा मीन्स को जर्चा ड्रग्स क्या चीज़ है जरे थर्ड हमारा है नो दियर कंसर्न्स में चीज़ें दो खोस पर ज्ञान मार्गदर्शन का था उनकी बातें सुनना चाहिए बच्चों का वो क्या बनना चाहता है उसी को वो बनने दो ना वो वकील बनना चाहता है तो वकील बनने दो ना उस बेचारे को क्यों उसको फोर्स कर रहे हो फोर्स करेगा तो उसकी मैंटेलिटी में जब हमारा मैंटेलिटी और उसकी मैंटेलिटी में डिफरेंस आ जाएगा तो वो बेचारा गड़बड़ करना वो बेचारा दिमागी उसके ऊपर उसका मेंटल बैलेंस उसका सही नहीं रहेगा ठीक है अच्छा इसके बाद है मेडिकल हेल्प भी है मेडिकल हेल्प हम किससे बोलेंगे उसको मेडिकल्स डॉक्टर के पास लेना है उसको दिखाना है सौ मसों उसको ये इस चीज़ का शिकार हो गया जरे फिर उसके ऊपर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ऐसे कैंप है जहाँ पे उनको दोबारा उसकी नॉर्मल लाइफ में वापस लाया जाएगा काउंसलिंग करके उनको वहाँ पे रिहेब करेगा रिहेब मैंने उनकी लाइफ को दोबारा बनाएगा वहाँ पे ये सब है ड्रग्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को सुनाया क्योंकि ये हमारे और आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी विजिटेड स्कूल्स और स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पे सुना एक टाइम हुआ तो हम थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा वीडियो क्लिप है उसको हम ओपन करेंगे थैंक यू सो मच इसके बाद मैं जो है ज़्यादा तूल न देते हुए मैं गुजारिश करूंगा हमारी मैम से मैम बिल्किस से कि वो यहाँ पर आकर हमारी जूलॉजी मैम है कि वो आपको थोड़ा सा डेमो दिखाएं तो आज मैं आपको एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ इंडोक्राइनोलॉजी में से ठीक है हॉर्मोन्स के बारे में क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है हॉर्मोन के बारे में सुना है कितने लोगों ने सुना है हाथ खड़ा करो ज़रा बस चार ही लोगों ने सुना है 10 क्लास तक के बच्चों में से सिर्फ चार ही लोगों ने सुना है सच सच बिल्कुल फ्री फील करना है कुछ हिस्से हमें नहीं आते चीज़ों के बारे में कुछ हिस्सा आता है लेकिन जो हिस्सा आपको आता है उसके बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देना है ताकि आपके टीचर को पता चले आप में कि आप कितना इम्बाइब कर चुके हैं अभी तक और हमें कितना पढ़ाना है आगे हार्मोन के बारे में किसी ने सुना है हाथ खड़े करो शाबाश मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि हार्मोन के बारे में किसी ने सुना है
नहीं सुना है? अच्छा ठीक है फिर। अच्छा कुछ हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, स्पेशली अभी इसाक सर ने जैसे आपको एडोलेसेंस के बारे में बताया, ठीक है, तो क्या आप में से किसी को एडोलेसेंस समझ में आया? एडोलेसेंस का एज ग्रुप बच्चों, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि एडोलेसेंस में कुछ चेंजेस आते हैं, यानी एक बच्चा जो है वो एडल्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब बच्चा एडल्ट में चेंज हो रहा है उसके बीच में एक स्टेज आता है, उसे एडोलेसेंस बोलते हैं। और इस एडोलेसेंस के एज को जानने के लिए कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे मुझे पता चल जाएगा ये बच्चा एडोलेसेंस वाले एज ग्रुप में से है ज़रे, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये बच्चा एडोलेसेंस वाले एज ग्रुप से बिलोंग करता है? हार्मोनल चेंजेस जैसे कि जैसे कि एग्रेसिव बिहेवियर, जैसे कि अभी पढ़ा यंग वॉइस चेंज, यंग फीमेल्स में पिच का हाई हो जाना, यंग ब्रॉड शोल्डर हो जाना, ठीक है, यंग है ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना फीमेल्स में। इस तरीके के कई सारे चेंजेस आते हैं किसमें, एडोलेसेंस वाले ग्रुप वाले बच्चों में। अब ये जो चेंजेस आए हैं वो कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हुए हैं कि बाहर से कुछ और छिड़कते हैं, आपको कुछ अलग से खाने के लिए देते हैं घर पे? इंटरनल चेंज हुआ है। ये इंटरनल चेंज कौन कर रहा है? इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को पता था हार्मोन्स, है ना, पता था, ठीक है, मुझसे झूठ नहीं बोलना, मैं बिल्कुल झूठ पकड़ लेती हूँ जल्दी से। अच्छा ठीक है, हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं। अब हार्मोन्स होता क्या है, क्या किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है हार्मोन्स क्या होता होगा, कहाँ होता होगा? अच्छा बस, ब्लड में कुछ ऐसे केमिकल्स होते होंगे जो ब्लड में यानी पानी जैसे मीडियम में घुल जाता होगा, है ना। यानी आज हम डेफिनेशन से जब भी शुरू करना हो डेफिनेशन, ठीक है, नाम साइंटिस्ट एग्जाम एंड आंसर्स भी जाना, पहला डेफिनेशन ही करना शुरू बचा, है ना, आंसर को कंस्ट्रक्ट करते समय पहले डेफिनेशन से शुरू करना है, पूछा क्या हुआ है उसके बारे में इंट्रोडक्शन क्यों नहीं, इंटरनल डेफिनेशन पहुँचा, यानी हॉर्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? चीन मिनसुक हार्मोन इंटेस्टाइन होते ना, हार्मोन चीन मिनसुक केमिकल मैसेंजर, क्या है हार्मोन? केमिकल मैसेंजर्स विच डस लॉट ऑफ फंक्शंस रेंजिंग फ्रॉम हंगर, रिप्रोडक्शन, एंड इवन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लाइक इमोशनल चेंजेस एंड बिहेवियरल कंट्रोल। ठीक है, हंगर जैसे, रिप्रोडक्शन है, बिहेवियरल चेंजेस हैं, इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि इस एज में आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि हम लोग पश्चिम से हो सुजरे असेंबली का जर ना बस बोमो सकंदा छिमा तमा शुरू छा चल, ठीक है। और अगर मैं किसी लड़के को बोलूँ, टीचर्स बोलते हेयर कट करके आ जाओ, उनके ईगो हर्ट हो जाता है, है ना। अगर इससे बड़े किसी को बोले तो इतना नहीं होता। तो ये क्या है, आप बहुत ही सेंसिटिव स्टेज में हो जहाँ पे आपके हार्मोन्स क्या है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन्स का। अब ये हार्मोन्स कई सारे फंक्शंस को हमारे बॉडी में कंट्रोल करते हैं, फंक्शंस इवन कि आपके हंगर को लेकर, इवन कि रिप्रोडक्शन के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हार्मोनल कंट्रोल में होता है। तभी तो एक टाइम के बाद ही रिप्रोडक्शन शुरू होता है। एक बच्चे में रिप्रोडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। एक प्यूबर्टी के स्ट्राइक करने के बाद ही
क्यों रिप्रोडक्शन के लिए आपका बॉडी तैयार हो जाता है, वो तो चेंज जमाना, ये आपका बॉडी क्या है, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं। ठीक है, आज हमें पता चला कि हार्मोन्स चेंज हो, तो केमिकल मैसेंजर चेंज हो, जो कि फंक्शन, जिसके कई सारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस कहाँ, हंगर रिप्रोडक्शन और भी सारे फंक्शंस, जैसे कि आपको प्रिपेयर करना फ्लाइट फाइट और फ्राइट के दौरान, यानी लड़ने के लिए, छुपने के लिए या डरने के लिए खुद को प्रिपेयर करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इमोशनल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है, हार्मोन्स की वजह से हो रही है। और हार्मोन्स बेसिकली ग्लैंड्स के थ्रू क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या करते हैं, रिलीजेस हार्मोन्स। मगर आपसे अगर पूछा जाए हार्मोन्स, ग्लैंड सिर्फ हार्मोन से रिलीज बात आजर ना, आपका जो स्लाइवा है मुंह में, स्लाइवा है वो तो हार्मोन है ना, मीन स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट हो रहा है ना। मगर ठीक है, यंग ट्यूमर और सीबेशियस ग्लैंड है ना, आपके यहाँ जो ऑयल का सिक्रेशन हो रहा है, यानी आर्म पिट्स ऑयली सो सोचन, यानी बॉडी ऑयली सो सोचन, उन सब सिक्रीट सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू सोचन। तो ये जो सीबेशियस ग्लैंड है क्या ये हार्मोन है, सीबम जो है क्या ये हार्मोन है, मैन ठीक है। इसका मतलब ग्लैंड्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं, कौन कौन से, एक्सोक्राइन ग्लैंड, आशाबाश, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये शब्द कुछ सुना सुना सा लग रहा है, एंडोक्राइन कब सुना था, अभी सुना था, अभी सुना था। ठीक है, अब कोई मत बोलना कि हम अच्छा मत और बिंजू जरे, एक बार बोलना है जी, गर्ग ग्लैंड पो एंडोक्राइन ग्लैंड, गर्ग ग्लैंड पो। ठीक है, देखो टेंथ में ना बहुत सारी चीज़ें, 8, 9, 10th में बहुत सारे वोकैबुलरीज ना रश कर जाती है, ना यंता उल्टा से टीचर फान छाचिन क्लास ना उजर इंच, तो यंता जी छाचि जमेन यंता दो मिसंबर क्वेश्चन गा चाहा दू म्यो मार गा चाहा ना मयो म्यो मत नहीं, यंता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक सिक्स तक भी इनकी यंता स्कैफोल्डिंग छाचिन यंता ठीक बस वोकैबुलरी सब सिलेबस सब चिन जब बस सब चिन तकन यंता छो शब्द कत ता चिन देखन हेल्थ की यंता सिल चिन दे चंगा की एंडोक्राइन ग्लैंड बने यंता एक बार एक दो बार चेक जरूर अपना खामा सो से बुक पर सिले ताचा एंडोक्राइन ग्लैंड चिन चुक जरे। किताब के बगैर कभी भी लेक्चर अच्छे से फॉलो नहीं होता है। ठीक है, यम तंग मना खामा सो से खामा सू से, और जो बच्चा टॉक करना चाहता है उसे क्या करना है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं, हम जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोन्स क्या है, सिक्रीशंस, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, इसके सिक्रीशन को हम हार्मोन्स नहीं बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम बेसिकली 9 ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे, कितने ग्लैंड्स के बारे में, 9 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। दी 9 ग्लैंड्स सुनिस पूरी तरीके से नटी बॉडी केमिकली कंट्रोल बचें। ठीक है, ग्लैंड की शुरुआत कहाँ से होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन अंगनु गर्ग ग्लैंड पहुंचे, पिट्यूटरी पहुंचे, यानो चुकला ब्रेन अंगनु गर्ग ग्लैंड पहुंचे, पीनल ग्लैंड पहुंचे, ठीक है, पीनल ग्लैंड पहुंचे, यंग ब्रेन अंगनु गर्ग ग्लैंड पहुंचे, नस पीनल ग्लैंड जरे जुक चावस। पीनल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चे थर्ड आई जेन जमाना, एक तो शिव की तीसरी आंख है जरे दी कहे मुस्तान इन दोनों, कुछ यहाँ पे इन दोनों लोब्स के बीच में कुछ यहाँ पे होता है, देखला थर्ड आई जेन। दूसरी चीज़, पीनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है लाइट को लेकर, यानी यहाँ बाहर लगीमा अच्छा ना का तो यहाँ ठीक बस नींद ऊँची, यहाँ निमा मना मभी मधु चुक ठूप कमरा जानू निमा सर दुखना यहाँ अच्छा ना ठीक बस नींद यूँ जमीन। तो हमारा जो पीनल ग्लैंड है वो हमारे सर्कैडियन राइम्स को, यानी आपके स्लीप और डे साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कौन आपका, कौन सा ग्लैंड, ठीक है। और एक ग्लैंड है हमारे पास जिसका नाम क्या है, कौन सा ग्लैंड है हमारे पास, जरा ना अक्सर जो पी से शुरू होता है, आशाबाश, एंडोक्राइनोलॉजी में एंडोक्राइन ग्लैंड में से
कौन सा है? पिट्यूटरी है। आज हम पिट्यूटरी को अच्छे से कवर करेंगे, मगर पिट्यूटरी सिवा और भी ग्लैंड्स है, जैसे मैंने कहा 9 ग्लैंड्स है। पहला पीनल है, दूसरा पिट्यूटरी है, तीसरा ठीक है थायराइड ग्लैंड है, ठीक है यंग ट्यूमर, अशाबाश पैराथायराइड ग्लैंड है, और कौन सा ग्लैंड है? अशाबाश एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल यंग ट्यूमर किडनी होता है, किडनी के ऊपर एड मनी अबव रीनल, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड, उसके बगैर मेल और फीमेल्स में स्पेसिफिक एक ग्लैंड होता है मेल खुरियंग फीमेल खुरियंग, टेस्टिस और ओवरीज, फीमेल उन्हें ओवरी होती मेल यहाँ ओवरी होती ना, फीमेल उन्हें यहाँ टेस्टिस मेल उन्हें यहाँ टेस्टिस यहाँ ना चुकला यहाँ एक ग्लैंड यूथ, ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे अशाबाश स्टमक में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो पेंक्रिया चौथे इंटे डाइग्राम थे हम, वो क्या है? वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और एक ग्लैंड यंगा ग्लैंड हो मन गति, ठीक है थाइमस ग्लैंड होता है। अच्छा गति सबसे पहला पिट्यूटरी, ठीक बस इसलिए आज हम पिट्यूटरी के बारे में बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी गस ग्लैंड चेंज है, मतलब खोए ओरिजिन पता लगा तो ड्यूअल ओरिजिन इन खोए चीन ड्यूअल ओरिजिन, ड्यूअल ओरिजिन से मतलब दो ओरिजिन है गति ओरिजिन गस गस्ता एक्टोडर्मल एंडोडर्मल मेसोडर्मल ताता कि खो फुल दान जाना फुल दान जाना तीन जर्म लेयर दान चिन गति तीन जर्म लेयर हो चिन गति दी तीन जर्म लेयर में उन्होंने फिस्ते दुआ एक्टोडर्म जर्चिन नंग की ली दुआ मीजो डर्म जर्चिन नंगो से दुआ आज शब्द एंडो एंडोडर्म चीज जर्चिन फिस्ता हुआ फिस्ता हुआ एक्टो स्किल पोला मीजो नंगोस पोला एंडोडर्म जर्चिन यदि चम चिकित्सा उद नगा तो वो तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन इन यदि सा ठीक है। अब गति जर्चिन की दीरी गति डर्मिस पो यानी यदि स्किन पो न नर्व पो अलग चिकी ना मेन शाव नर्व साव अलग चीज शिकिंदे यदि पिट्यूटरी यदि से पार्ट जाऊं दानी यदि शे पार्ट जाऊं दानी यानी यदि दीरी रत किस पाउच पाउच हो जाए। अब ये वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है दूसरों से गिन ना फूले दीरी नर्व को युक्त होता से फूल बना दूसरों से युक्त होता से फूल बना दी नर्व को गिन होता से फूल बना गता दी का हिस्से गिन नहीं दुआ इसी पार्ट का क्या डेवलप्ड होता है गति पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी क्या है पिट्यूटरी ड्यूअल इन ओरिजिन है यानी नर्वस इन ओरिजिन भी है और डर्मल इन ओरिजिन भी है ठीक है। और पिट्यूटरी साइज पसंद क्यों चीज है ना साइज पसंद क्यों चीज मटर के दाने जितना चम चूचिन मटर के दाने जितना मगर इस दाने को क्या कहते हैं ऑल्सो नोन एज अशाबाश मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड दो चीजें पहले जमाने में देखा गया कि पिट्यूटरी इतने सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है और वो हार्मोन्स सेकेंडरीली इतने सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है तो ऐसा माना गया इस ग्लैंड को अगर निकाल देंगे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन बाद में जाके पता चला अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है बाद में जाके पता चला कि पिट्यूटरी के बगैर भी कुछ ऐसे और ग्लैंड्स हैं जिनके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता तो हम बेसिकली खा मास्टर ग्लैंड जैसा थोड़ा सा गलत है मगर ज़्यादा गलत नहीं है क्योंकि ये इतने सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और सेकेंडरीली इतने सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है कि खे रोल वो मन इम्पॉर्टेंट होती जो ठीक है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कैसे आता है अब ठीक है विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड दी का क्वेश्चन हो चुके ठीक है और यहाँ पिट्यूटरी का ओरिजिन बताइए एक्टोडर्मलिना एंडोडर्मलिना मेसोडर्मलिना ड्यूअल इन ओरिजिन इंजरना ड्यूअल इन ओरिजिन ठीक है दो ओरिजिन युद्ध खोए और यंग पिट्यूटरी कहाँ होता है जरना यदि स्कल इन अनुप सुनसे हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर चौचिन हॉर्स शू शेप जमा छुदता स्टे कंगमाओ अगर का तो कला तंग नगर तो शेप चिल्लान चिन
हाँ, वो जो शेप स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्शिका, ठीक है, सेला टर्शिका कहा जाता है। दी कैविटी वी मीन पॉइंट कैविटी विच होल्ड पिट्यूटरी, वो कैविटी जो कि क्या करता है, पिट्यूटरी को होल्ड करता है, गर गति ब्रेन पियानो, ठीक है। अब दी पिट्यूटरीज, दी पिट्यूटरी अगर कहते हो स्ट्रक्चर बोलता ना कहते हो मत स्ट्रक्चर पुगा चुकशील दंजिन, स्ट्रक्चर पुगाता अगर चुकशील दंजिन, स्ट्रक्चर पुगाता कुछ इस तरीके से बनेगा। दूंगती न्यूरल इन ऑरिजन, दूंगती एड्रीनल यानी दूंगती चीज, दूंगती डर्मल इन ऑरिजन पॉइंट, दी पार्ट पो डर्मल इन ऑरिजन, दी पार्ट पो न्यूरल इन ऑरिजन खैंग नु नज जसना सोमा वर्ड इन छोर वाला वो एक बार नंगा रिपीट बचा। अच्छा न्यूरल इन ऑरिजन अगर ये तम नाम समझना टीचर नंबो, अगर ये तम डूल भी कोशिश माना का तो चीज अच्छी टीचर नंबो डूल भी कोशिश बखानी फ्रून इस नंबो नंबो मुश्किल सर का निवर्ट इन नंगोस मजा में नोजल। अच्छा न्यूरल इन ऑरिजन डर्मल इन ऑरिजन, अच्छा दू इंसु नंबो जर मैंने चेज में पहली बार छोरी दे पहली बार छोरी मैंने देखे ना मिजर चा अच्छा ना ये मुश्किल था दू जू जरे नहीं सिल्वर गोज दे सबके साथ चलना ना आप लोगों को, ठीक है। और दी टाइम पे हम लोग हर जगह से जहाँ आप कंप्यूटर से भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास इतने सारे रिसोर्स टीचर्स हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी है आपके पास, इतने सारे वीडियोज अवेलेबल है, उधर टाइम पे आए इतना दू कभी भी एक्सक्यूज मैन की चाह मुश्किल छे दू जू जरे मिजर चा, ठीक है। तो एक बार टीचर इज वर्ड प्रेजेंट नेक्स्ट टाइम गस चीन मिन सुख जबना सब इसका दो मार क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है हमारा न्यूरल इन ऑरिजन दू छीन गति डर्मल इन ऑरिजन दियंग नस लंचिन जति किस पाउच इज लंचिन जरना, ठीक है। अब जो न्यूरल इन ऑरिजन है मीन पुगत सुख आसान तक दोस्तों शिक न्यूरल इन ऑरिजन इन मना खोई मिंगा न्यूरो हाइपोफाइसिस तक से ची तक से न्यूरो हाइपो, ठीक है। न्यूरल इन ऑरिजन इन मना खोई मिंग पची तक न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। दू ठीक है डर्मल इन ऑरिजन इन मना दू आ दू न चुक्स में ना, ठीक है। एडिनो एडिनो हाइपो फाइसिस न्यूरो हाइपो फाइसिस फिर दस दस चार न्यूरो खोरंग हाइपो खोरंग फाइसिस पे खोरंग एडिनो खोरंग हाइपो खोरंग फाइसिस पे खोरंग जर शीता न्यूरल इन ऑरिजन बोले छह जर बार डर्मल इन ऑरिजन बोले छह जर छीन याद हुआ न्यूरल न्यूरो हाइपोफाइसिस एडिनो हाइपोफाइसिस जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है न्यूरो हाइपोफाइसिस है उदंग नंगा तंगा दो मेन हार्मोन दो हार्मोन स्टोर छा दियंग नु हार्मोन ची छा स्टोर छा दियंग नु हार्मोन फॉर्म छा रिजन मत दियंग खुरी हार्मोन जैसे चीज हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जिन उस बार बार, ठीक है। हाइपोथैलेमस से हमारे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं कौन से हार्मोन ADH आशवा जिसको हम और क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन और हमारा ऑक्सीटोसिन आशवाश ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन वो तो स्टोर कर लुशिन पिचुर्ची स्टोर कर लुशिन आशवाश न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्टोर रहेगा हमारा। एडिनो हाइपोफाइसिस अंगता गिन के सात हार्मोन जो कि बिल्कुल अभी याद हो जाएगा जैसे कि पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन छोड़ भी ना इंदर रिंगो छ चुका हार्मोन जो कि कहाँ ऐड करेगा आपकी हड्डियों पे आपके मसल्स पे मेनली ऐड करेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन आशवाश किसी ने बोला गोनेडोट्रोफिन उसको हम गोनेडोट्रोफिन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा कौन सा है थायराइड को जो स्टिमुलेट करता है ना जिसमें ना सिर्फ डायरेक्ट फंक्शन होता है इनडायरेक्ट एक ग्लैंड उन्हें कंट्रोल बचन दी थायराइड पर कंट्रोल बगने हार्मोन पे मिंग पची जा चीन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यंग हार्मोन पे होती हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यंग आता ग्रोथ हार्मोन यंग हार्मोन पहुंचे LH सुर भी ना आशाबाज FSH सुर भी ना
अशबाश फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यूटिनाइजिंग हार्मोन ये हार्मोन इसका मेल ना फीमेल इसके अंग खोला जोंचिन मेल अंग ना खोला जोंचिन फीमेल अंग ना जोंचिन चीला जोंचिन वाला गोनाइट सुन स्टिमुलेट बचिन फीमेल ये ओवरी स्टिमुलेट बचिन मेल ही टेस्टिस स्टिमुलेट बचिन ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास प्रोलैक्टिन ठीक है और मेलानिन मेलानिन छोड़ ना गर्ल्स और भी मेलानिन अच्छा भाई स्किन ठीक है कर पूछा चुकना मेलानिन कम बे क्रीम्स कुचिन ठीक है निमे का दुख पाना मेलानिन खुद ब खुद रोप छचिन चेस बने मेलानिन यूथ पे हिसाब पो स्किन पे प्रोटेक्ट छचिन सुई करना सन रेस करना ठीक है अब जो क्रीम होता है वाइटनिंग क्रीम वो क्या करता है मेलानिन को कम करता है मेलानिन कम होगा तो स्किन को स्किन प्रोटेक्शन कम छचिन रोप छचिन नहीं व्हाइटनिंग क्रीम स्कोर क्वेश्चन सा मस कूना का तो चीज है चलो इसका मतलब कूना का तो सन रेज और दोनों पिकअप होगा देखा ना चीज है चीज स्किन कैंसर जरूर भी नहीं था ठीक है पहले पहले पैचेस छजिन देखे ना टिका मुंह में चुक छजिन देखे ना वो दोनों इकट्ठा सोच से छोटे छोटे दाग छजिन देखे ना कुल्या कुल्या चीज छजिन कैंसर छजिन ठीक है व्हाइटनिंग क्रीम मिस कुचा ठीक है अब मेलानिन प्रोलैक्टिन जब ना चीज प्रो माने एक्टिव ठीक है प्रो माने एक्टिव या प्रोड्यूस बा लैक्टिन माने ओरिजिन प्रोलैक्टिन याने ओरिजिन प्रोड्यूस बा खानी हार्मोन पो यानी ये मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा ये जो मेलानिन है वो कहाँ एक्ट करेगा स्किन पे एक्ट करेगा एफएसएच और एलएच नदी का एक बचिन एफएसएच एलएच गोनाइड्स उनका एक बचिन गोनाइड्स मेल के केस में टेस्टिस पे एक्ट करेगा ठीक है और फीमेल के केस में ओवरीज पे एक्ट करेगा ठीक है फीमेल ओवरी उन्होंने और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा हमारे यहाँ पे दी दी एडम्स एप्पल यूज से दी का नती थायराइड ग्लैंड नोचिन वो तो बटरफ्लाई शेप चोचिन ठीक है अब नेक्स्ट हमारा ग्रोथ हार्मोन जो कि बोन पे एक्ट करेगा और मसल पे एक्ट करेगा ठीक है इससे ज़्यादा पढ़ना हो तो घर जाके अपने किताबों से पढ़ना है ठीक है यहाँ नहीं तो कहेंगे कि दिया खो सुनांगा चाह साफ नाइन रिजालू ठीक है थैंक यू मैं इसके साथ बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से गुजारिश करूंगा हमारे गर्ल्स हाई स्कूल पस्क्यूम से सर शमसुद्दीन साहब से कि वो यहाँ पर आकर जो है अपना थोड़ा सा डेमो दिखाए अम्मा इकबाल ने कहा था खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तुम्हारे बहर मौजू में इस्तराफ है नहीं अजीज़ बच्चों सबसे पहले मैं अपना जो लेसन आपको डिलीवर करना है उससे पहले आपके इदारे की तरह से जो वेलकम हुई उसके लिए मैं आपका प्रिंसिपल साहब और पूरे स्टाफ मेंबरान का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इतना कहा था कि भाई आप एक ट्विंक प्रोग्राम कर लीजिए मगर जिस अंदाज से आप लोगों ने खतक के साथ ट्रॉफी के साथ रिबन काट कर जिस तरह से हमारी हौसला अफजाई की या हमारी इज्जत की तो इसके लिए हम अपने इदारे की तरह से और हमारे बच्चों की तरह से आप सबों को जो है सलाम अर्ज़ करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं अज़ीज़ बच्चों घबरने की बात नहीं है जैसे सर ने अभी कहा कि आप लोग बोर नहीं होना ये नहीं समझना कि वे हर रोज़ की तरह हमें एक क्लास में रखा तो एक बोरिंग एक सेशन हमारा होना नहीं चाहिए तो इस ट्विंग प्रोग्राम का ठीक है ना या वहाँ उनके बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं जैसे मॉर्निंग पेयर में एक सवाल पूछा गया कि भाई लद्दाख यूटी लद्दाख का गवर्नर कौन है हर एक बच्चे को आता है मगर आप में से किसी में ये हिम्मत नहीं उठ के उसका जवाब दे दे तो आप लोग आज उस दौर में नहीं है कि आप खामोश तमाशाई बनाकर रह जाओगे तो आज इतना कंपटीशन का दौर है कि आपको एक दूसरे से सबकर लेने की ज़रूरत है तो चूंकि साइंस के बारे में हुआ तो उससे थोड़ा हम हट कर आप लोगों का सोशल स्टडीज़ की तरह लाएंगे
क्योंकि हमारे समाज में जो भी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो ड्रग एब्यूज़ के बारे में, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती है, या जो एजुकेशनिस्ट से या जो वाइजेस्ट मैन है वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि आज के दौर में साइंसदान बहुत है मगर जो सोशल साइंटिस्ट है उसकी कमी है। उसकी वजह ये है, जब हम अपने बच्चों को एम ऑफ लाइफ लिखाते हैं, अभी मैं अगर आपको पूछूंगा कि आप क्या बनना चाहते हो, कौन कौन आप में से जो है क्या बनना चाहते हो, अपनी एम ऑफ लाइफ क्या है आपकी, क्या बनना चाहते हो? इंजीनियरिंग हमारे बच्चे बोलते हैं, हमारे दौर में हम भी बोलते थे कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। हालांकि पूरा आपके इंजीनियरिंग सिस्टम, पूरा आपकी डॉक्टरी सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, सबों को चलाने वाला, प्लान करने वाला कौन होता है, हैं, कौन बनाता है? उस सबों के ऊपर जो है, जो एक इदारा होता है, वो यही पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल सिस्टम से बनता है, ठीक है ना। अगर हमारा डिसीजन मेकर अच्छा आदमी नहीं होगा, काबिल आदमी नहीं होगा, तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक मिसाल हम सबों के सामने वाजा है, ठीक है ना। जैसे हमारे हिंदुस्तान में 29 स्टेट से हर एक का सीएम है चल रहा है, ठीक है ना। करोड़ों, एक साल अगर कोई एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, उसका समझो पूरा ख़ानदान 100 साल तक बैठ के खाएगा, करोड़ों रुपया जमा, ठीक। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल में हमने जो है सोशल साइड में हम लोगों ने वो अनपढ़ लोगों को रखा है। जो डॉक्टर नहीं बनेगा, ठीक है ना, जो इंजीनियर नहीं बनेगा, जो ताली वेल क्वालिफाइड नहीं होगा, उसको हमने कहाँ रखा है, सियासत में। फिर वो सियासी आदमी कल जाके आपका हेड होता है, जो हमारे देश के लिए जो है पॉलिसीज बनाता है, ठीक है ना। अगर अच्छा आदमी जो एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, काबिल आदमी, वो उसको सलाह देगा, वो नहीं मानेगा, वो अपने दिमाग का करेगा। तो लिहाजा वक्त की ज़रूरत ये है कि बच्चों को इंटरेस्ट लेना चाहिए सोशल स्टडीज़ की तरह, पॉलिटिक्स की तरह, ठीक है। क्योंकि एक मिसाल है, केजरीवाल जो दिल्ली का सीएम बना, दिल्ली की क्या पूरी हालात अलग हुई बाकी स्टेट से, चर्चा है हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका में, हिंदुस्तान वाले माने या ना माने, ठीक है ना। तो लिहाज क्यों, वजह ये है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो प्लान बनाने वाला जो आदमी है, वो एक क्वालिफाइड आदमी आ गया, एक जो है ज़हीन आदमी आ गया, ठीक है ना। तो इसी सिलसिले में, चूँकि साइंस का मैडम ने सुनाया, मेरा अपना फील्ड भी सोशल स्टडीज से है, मेरा नाम शमसदीन है, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल पश्चिम से इधर आया हूँ। कुछ 2 महीने हो गए कि ट्रांसफ़र होकर उधर मेरी पोस्टिंग हो गई है। मेरी क्वालिफिकेशन एमए इन पॉलिटिकल साइंस है। तो आप लोगों को पता है कि भाई सबसे अच्छा जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर कोई काबिल आदमी होगा, तो वो सियासत में, क्योंकि जो आदमी सियासत में जाएगा वो हाईएस्ट पोस्ट में जाएगा। तुम्हें मालूम है कि भाई आजकल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, हैं, नरेंद्र मोदी है। जानते हो नरेंद्र मोदी को जो है प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया गया, या उसकी प्रोसेस क्या है? एक आदमी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है, हाँ, इलेक्शन के जरिए। बस तो आज मेरा टॉपिक भी है, इधर मार्कर रखा था ना, इधर है, अच्छा जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन तो हम सबों ने देखा होगा, क्योंकि देखो साइंस वाले मैम ने अभी इधर अपना लेक्चर दिया, साइंस वालों को मॉडल की ज़रूरत है, लेबॉर्ट्री की ज़रूरत है। सोशल स्टडीज वाले कहते हैं कि हमारी लेबॉर्ट्री क्या है, सोसाइटी इज द लेबॉर्ट्री ऑफ सोशल स्टडीज, हमारा जो समाज है ये हमारी लेबॉर्ट्री है। इलेक्शन प्रोसेस में अगर आप जाएंगे कि भाई इलेक्शन होता हिंदुस्तान में कैसे हैं, तो ये हमारी जो है लेबॉर्ट्री, वो क्या है, आप लोग है, ठीक है ना, आप लोग ही
हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, ये हमारे जो है क्या है, लेबॉरेटरी है। तो इलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हिंदुस्तान में एक इदारा है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन वेरियस सेटअप्स इन इलेक्शन प्रोसेस। सेटअप एक स्टेजेस, ठीक है बेटे? क्योंकि ये सवाल 9th क्लास में भी है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और 10th क्लास में भी है, और ये सवाल बार बार में एग्ज़ाम में भी रिपीट हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से सुनना कि बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली या तो आप लोगों ने खुद किया होगा जो 18 साल का होगा, या आपके घर वालों को ये प्रोसेस करते हुए आप लोगों ने देखा। सबसे पहले जो है इलेक्शन प्रोसेस का पहला जो सेटअप है वो है डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पहला सेटअप, सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटते हैं, पूरे हिंदुस्तान को। बट जैसे आप सब जो है हिंदुस्तान हो गया, मैंने ये 3 लाइन अलग किया, वो अलग किया, वो अलग किया, मैंने इसको हम पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है ना? तो इसमें हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो पूरे मुल्क को, पूरे कंट्री को, या स्टेट इलेक्शन हो गए तो स्टेट को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटते हैं, बांटा। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटने के बाद अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स। फिर जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है ऐलान करता है कि भाई फलाना स्टेट में इस डेट को इलेक्शन होगा। क्या आप लोग जानते हैं इलेक्शन कितने साल के बाद होता है? हर 5 साल के बाद। अगर कहीं 5 साल से पहले हो गया फिर बाई इलेक्शन, ठीक है ना? इलेक्शन दो किस्म के हैं, 3 किस्म के हैं, ठीक है ना? एक हो गया जनरल इलेक्शन हर 5 साल के बाद, अगर बीच में कोई इलेक्शन होता है उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन कब होता है? जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में का आदमी ने रिज़ाइन दिया, उसकी डेथ हो गई, उस पोस्ट के लिए 2 साल के बाद, 1 साल के बाद इलेक्शन होती है, तो उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो ये इलेक्शन कमिश्नर ने जो है क्या किया, अनाउंसमेंट किया, अनाउंस किया कि भाई फलानी डेट को इलेक्शन होगा। तो साथ में जो वो क्या कहेगा कि भाई फॉर्म भराने की तारीख ये है, फॉर्म विड्रावल की तारीख ये है, सारी डेट्स वो ऐलान करता। उसके बाद फिर क्या हो गया, जब अनाउंसमेंट हो गया फिर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स, फॉर्म का डेट निकल गया, इलेक्शन कमीशन जो है रिटर्निंग ऑफिसर को जो है अपॉइंट करेगी, ठीक है ना? हर एक कंस्टिट्यूएंसी में का एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जिसके पास जिस भी आदमी को फॉर्म भराना है, इलेक्शन लड़ना है, वो जाकर अपनी फॉर्म भराएगा, ठीक है? उसके बाद तीसरा जो सेटअप है ये हो गया, फॉर्म भराया, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर करेगा वहाँ हर एक कंस्टिट्यूएंसी में। जैसे हमारी पंचायत इलेक्शन होती है, पंचायत में आपके माले माले में एक रिटर्निंग ऑफिसर आएगा, जिस जिसको सरपंच का या पंच का फॉर्म भराना है, कोई देर फॉर्म तंग से इंदे, ठीक है ना, जिस जिसको इलेक्शन लड़ना है।
उसके बाद एक डेट होती है विड्रावल सिक्रेटरी ऑफ फार्मर्स, सेक्रेटरी ऑफ फॉरम्स। उसके बाद ये क्या करेगा, इसके लिए डेट इधर ये रिटर्निंग अफसर देगा, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन। तो इनका काम है जब फार्म भराने की डेट होगी, मान लो फार्म जो है 10 से 15 तक ये क्या कहते सितंबर तक आपको भराना है, 15 सितंबर जब हो जाएगा तो ये सारे फार्मों की चेकिंग करेंगे, सिक्योरिटी मीनस चेकिंग है, क्या है, चेक करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कुछ कि मिसाल के तौर पर फार्म भराना था, आपने फार्म भराया मगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे आप जो है एमएलए के लिए भराएंगे 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है ना, या जो है आप जो है उसी कंस्टिट्यूएंसी का जो है बंदा होना चाहिए। तो ये फार्म जब सेक्रेटरी होती है तो उसमें ये सब जो है ये लोग देखते हैं, जिस जिसका फार्म ठीक होगा उसका डन। उसके बाद एक प्रोसेस आता है विड्रावल ऑफ फार्मर्स, क्या आता है, विड्रावल ऑफ, ठीक है ना, फार्म। कोई भी आदमी जिसने फार्म भराया वो जो है विड्रावल डेट तक अपनी नॉमिनेशन वापस ले सकता है, ठीक है ना, इलेक्शन से पहले। अगर उस डेट तक नहीं लिया तो उसके बाद वो ले नहीं सकता है। विड्रावल भी डेट होगा फार्म भराने का, विड्रावल ऑफ फार्म हो गया, उसके बाद इलेक्शन का जो अहम जो सेटअप है वो जो है क्या होता है, कंपेन स्टार्ट होता है। कंपेनिंग जो है स्टार्ट होती है, कंपेनिंग कौन करता है इलेक्शन में, कंपेनिंग कौन करता है, उसी पार्टी का कोई नेता या फिर वो कुछ, हाँ, जिस आदमी ने फार्म भराया, जिसको वोटों की ज़रूरत है, चाहे वो किसी पार्टी की तरफ भराया या आज़ाद उम्मीदवार है, वो जो है घर घर में जाके बोलते हैं कि भाई वोट दे दो, ठीक है ना। हर एक पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती है, क्या करती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, क्या होता है कि वो वादा करती है कि अगर हमारी पार्टी इक्तदार में आए तो हम कोई हम आप लोगों को ये चीज़ें करेंगे। अभी गुजरात का इलेक्शन चल रहा है, वहाँ केजरीवाल ने कहा अगर मुझे हमारी पार्टी अगर इक्तदार में आएगी तो मैं क्या करूँगा, 300 यूनिट बिजली फ्री, ठीक है ना, हर बेरोजगार को 3000 पर मंथ, ठीक है ना, और हर महल्ले में माला क्लिनिक वो भी फ्री, ऑपरेशन तक फ्री, गरीब लोगों को क्या बोलते हैं पढ़ाई फ्री, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको वो तैर यात्रा के लिए जाते हैं ना जो मजहबी इसके लिए, तो वो सब फ्री। तो इस तरह हर एक पार्टी जो है लोगों को लुभाने का काम करती है, ताकि क्योंकि वही आदमी इलेक्शन में कामयाब होता है जो ज़्यादा लोगों का सपोर्ट हासिल कर पाता है। तो इस तरह जो है इलेक्शन कंपेज होती है, डोर टू डोर भी जाते हैं, अब थोड़ा मल प्रैक्टिसेस भी हैं, लोग पैसा दे के ख़रीदते भी हैं, ठीक है ना, शराब भी पिलाते हैं लड़कियों को, सूट शाल वगैरह भी। तो ये सारा काम जो है इलेक्शन में होता है, इलेक्शन कंपेज का मैं बता रहा था कि जो या बड़े बड़े रैली करते हैं, कार रैली, बाइक रैली, तो ये सब इलेक्शन कंपेन में। इलेक्शन कंपेन के बाद कौन सा दिन आता है, हैं, वोटिंग डे, शाबाश। इलेक्शन कंपेन जो है हमेशा याद रखना ये 48 आवर्स बिफोर इलेक्शन जो है ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सातवां जो है इसको वोटिंग डे कहो, वोटिंग डे, या इसको क्या बोलते हैं, पोलिंग डे, पोलिंग डे, ठीक है ना। तो इस दिन क्या करते हैं, ये तो आसान है, हाँ, आप वोट करते हैं, कौन वोट करता है, पब्लिक, पब्लिक वोट करती है पूरी, हाँ, याद रखना हिंदुस्तान के आईन के तहत हम सब बालिग होते हैं 18 साल में। जो भी आदमी 18 साल का होगा, मर्द हो या औरत, और वो अपनी पोलिंग कंस्टिट्यूएंसी में जाकर, और उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, किस में, वोटर लिस्ट में, व्हेन ही एंटर्स इन पोलिंग स्टेशन द पोलिंग स्टाफ
उसका जो है कार्ड चेक करते हैं, ठीक है ना, फिर वो देखते हैं उस लिस्ट में कि आइदर नेम है कि उसमें लिस्ट में या नहीं है। अगर उस वोटर लिस्ट में नहीं होगा नाम तो उसको वोट देना नहीं देते, ठीक है ना। उस वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। सियासत में जाके अच्छा लीडर बनना, अच्छा लीडर बनने के लिए आपको हौसला होना चाहिए बोलने का, सब बोलने का ही खेल है। मोदी ने अब क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर है, इतना पढ़ा तो नहीं है, यहाँ तक कहा जाता है कि भाई जो डिग्री दिखाया वो भी फेक है, मगर उसको बोलने का जो ढंग था, ठीक है ना, पूरी बीजेपी को 2 सीट से जो है 400 मुल्क में आज़ादी के बाद जो है पहली ऐसी पार्टी है जो इतनी मेजॉरिटी से आई है, सिर्फ एक आदमी की वजह से, मोदी की वजह से, और कुछ भी नहीं बोलने के। तो लिहाजा आप कोशिश करना, जहां भी आपको मौका मिलेगा सर नहीं झुकाना, सर उठाकर जो है बोलने की कोशिश करना। थैंक यू, ज़्यादा मत हो गया। थैंक यू, बहुत अच्छा सर। ये थे हमारे गर्ल्स हाई स्कूल पश्चिम से शमसुद्दीन सर, सियासत के बारे में आपको बताया, आपको इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बहुत सारे कानून बताए, नियम बताए, और बहुत ही बड़ी एक बारीक बात कही सर ने, शायद आप लोगों ने तवज्जो दी या नहीं दी, मैं उस बात को रिपीट करके मैम को दावा दूंगा। सर ने कहा कि हम लोग जब भी पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को लाते हैं जो निकम्मे होते हैं, कहीं पर भी पहुँचते नहीं हैं, और एक चीज़ ये हमारे रसूमात और हमारे मजहबों में भी ऐसी चीज़ें खेल खेली जाती है, वो ये है कि अगर कोई लड़का, एक बाप के अगर 2-3 बेटे हैं, ये ऐसे बता रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा मनोरंजन हासिल करें, ठीक है जी, आप थोड़ा सा बोर ना हो जाए, इसलिए ये बात बता रहा हूं। बताएं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, बताएं, हाँ ऐसे जागते रहो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए, एक बाप के 2-3 बेटे होते हैं, तो अगर उसमें से 3 बेटे हैं मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, तो उसमें से जो काबिल होगा ना, बहुत ही चालाक, आपकी तरह होनहार, पढ़ा लिखा, तो बाप के मन में आता है यार इसको तो क्या बनाना है जी, डॉक्टर ही बनाना है। अब एक बेचारा थोड़ा सा सीधा साधा सा, जिसको थोड़ा सा इतना जहीन नहीं है, तो माँ बाप के ख्याल में आता है यार इसको तो दू ना शेख चा हैरान लाता हूँ, बचा दू क्या बनाते हैं वो, इसको मौलवी बनाने के लिए मुझ जैसा अगर कोई बेचारा निकम्मा है तो उसको कहाँ डालते हैं जी। अरे तो अपने आप के लिए ताली तो बजाओ। तो हमारे बुद्ध धर्म में या बाकी धर्मों में है या नहीं है मुझे नहीं पता है, जैसे चुमो वगैरह होते हैं, लामा जी वगैरह होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, उनके उस चीज़ में ये है या नहीं है मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन हमारे मुसलमानों के अंदर ये बहुत ही ये हकीकत है। लेकिन ये और बात है कि कुछ लोग, आप जैसे लोग, हालांकि थोड़े से कमज़ोर होते हैं, बाद में पढ़ लिख के थोड़े से होशियार हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वही होता है, जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको ढकेल देते हैं किसी मदरसे में, और जो थोड़ा सा होनहार चालाक है आप लोगों की तरह, उसको डॉक्टर या इंजीनियरिंग में ढकेल देते हैं। और सियासत में भी यही होता है, पढ़ा लिखा निकम्मा कहीं गुंडा चलता फिरता है, कहीं नहीं पहुँचता है, तो उसको ले जाके सियासत में डाला जाता है, फिर इसी वजह से पढ़े लिखे लोगों के ऊपर नाअहल आके राज करता है। ये सबसे बड़ी सर ने बहुत ही बारीक बात बता दी। तो इसके बाद मैं बहुत ही हमारे एक और मेहमान, लास्ट में जो है मेहमान है हमारे, जो है लोसुम से आई हुई है मैम नकदून से, गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आकर अपना डेमो थोड़ा सा पेश करें। ज़ोरदार तालियों के साथ आप मैम का स्वागत करें। मेरा नाम संजिन नवडोन और मैं HS लोसम की एक स्टाफ हूँ। आज मैं यहाँ पे आपका मतलब इस सब्जेक्ट क्या है जिसको सबका मतलब डर होता है, उस सब्जेक्ट के बारे में मैं टॉपिक लाई हूँ। वो सब्जेक्ट है मैथ्स। सबको डर है, सबको ये डर किसी मतलब सबके पास होता है, ये डर कि मैथ्स से डर लगता है, लगता है ना, सबको डर है ना, अच्छा भी नहीं लगता है ना मैथ्स, क्यों ऐसे देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग तो मैथ्स होता है, लेकिन आप में मैथ्स का फोबिया पता नहीं क्यों बने हुए हैं। मोस्टली 90% स्टूडेंट में तो फोबिया है कि मैथ्स से डरते हैं। हम अपने स्कूल में पूछते हैं कि
आगे जाके मैथ्स किस किस ने लेना है ऐसा पूछे तो मतलब हार्डली एक या दो बच्चे होते हैं कि हम मैथ्स लेंगे आगे, बाकी तो बोलते हैं कि टेंथ पास हो जाए उसके हम उसके बाद हमने मैथ्स को छोड़ ही देना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैथ्स तो जहाँ भी जाओ, घर पे बाहर कहीं पे भी जाओ, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कहीं पे भी जाओ मैथ्स ही मैथ्स होगा। आप लोग आर्ट्स या बोलेंगे बायो के साइड में जाओगे तब भी मैथ्स दिखेगा। आप सोच रहे होंगे बायोलॉजी जूलॉजी में भी जूलॉजी में वो मैथ्स यूज़ नहीं होता है, आपके लेक्चरर सर या किसी से पूछ लेना कि उसमें भी मैथ्स होता है। डीएनए स्ट्रक्चर बनाते समय या उसके मॉलिक्यूल्स का वो निकालने में भी मैथ्स यूज़ होता है। इसलिए मैथ्स से डरना किसी को नहीं है, ठीक है ना। अब मेरा टॉपिक, मैंने टॉपिक जो लिया है वो टेंथ का टॉपिक है, और यहाँ पर टेंथ के बच्चे कितने हैं, हर स्कूल के टेंथ के कम ही दिख रहे हैं मुझे। टेंथ के टॉपिक है और एट्थ नाइन्थ को तो ये टॉपिक समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक टेंथ में ही, ये नाम टेंथ में ही सुनेगा, ये वाला चैप्टर आपको सिर्फ टेंथ में सुनेगा। इसलिए एट और नाइन्थ को थोड़ा बोर हो सकता है, लेकिन आप याद रखना कि आगे इसको यूज़ करना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना कि ऐसा चीज़ भी होता है हवा। और ये जो खतरनाक वाला सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक, एक चैप्टर आता है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। उससे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के बच्चे बोलते हैं ये चैप्टर तो हमने करके जाना ही नहीं है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री सबसे वोल्टेज, इसका मार्क्स सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का होता है, और आगे ट्रिग्नोमेट्री ट्वेल्थ तक यूज़, ट्वेल्थ से आगे भी यूज़ होगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक मैंने लिया हुआ है। और टेंथ के बच्चे मुझे ये बोलना कि ट्रिग्नोमेट्री आप सबने स्कूल में पढ़े हुए हैं, नॉलेज है ना, सबने स्टार्ट किया हुआ है, ख़त्म भी कर दिया होगा उसमें। हाँ, आप लोगों को फॉर्मूले बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके अंदर एक टेबल भी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको रखना पड़ता है, याद है कौन सा, साइन कोस तो आता ही आता है, उसके अंदर डिग्रीज याद करना पड़ता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, वो वाला टॉपिक पता है ना सबको, नॉलेज है ना। अब आप लोगों को याद करने में कितना प्रॉब्लम होता है उस टेबल को याद, जो ये वाला टेबल है, देखा है सबने टेबल, पता है ना, एक साइड में डिग्री जाते हैं और एक साइड में एंगल्स जाते हैं, एंगल्स का नाम है और एक साइड में डिग्री जाते हैं, पता है ना सबको। कैसे आप लोगों ने कैसे इसको लर्न किया, लर्न तो सबका डिग्रीज तो याद आना है, आपने टाइम एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लेना है कि ये टेबल बनाओ। अब अक्सर बच्चे करते हैं कि ये टेबल पूरा वहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसका वैल्यूज वहाँ पे फिलअप करते हैं। आप लोगों ने कैसे लर्न किया था इसको, ऐसे टेबल पूरा टेबल याद किया था, हमारे लॉसन्स के बच्चों ने कैसे याद किया था इसको, कैसे याद ही नहीं किया था, भूल गए हैं, अभी 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 ख़त्म किया है हमने ट्रिग्नोमेट्री, कैसे याद किया था हमने, मैंने तो ऐसे ही आप लोगों को बोला था कि फर्स्ट साइन का जो डिग्रीज होता है इसको याद रखना, उसके बाद पीछे से स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे करके किया था ना, सबने किया था ना, उसके लिए हमें पूरा टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। आज मैं एक ट्रिक्स लाई हूँ कि आपको हर एक डिग्री एक सेकेंड तो नहीं, एक मिनट में निकल सकते हैं, ठीक है। मैं एक ट्रिक्स बताऊंगी, आपको पूरा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, हर किसी भी क्वेश्चन में 30 साइन 30 या साइन 45 पूछा होगा तो आप लोग एकदम से उसको बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगी आपका ये जो ट्रिक्स, ट्रिक्स। अब ट्रिक्स के लिए आपको अपना हाथ तो सबके पास है ना, लेफ्ट हैंड को यूज करना, उस पर ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ
करना है और आपने क्या करना है, हर एक फिंगर्स पे आप डिग्री लिखना है, जो जो डिग्री यूज होते हैं। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से हम नीचे ज़ीरो डिग्री और कौन सा होता है, ज़ीरो के बाद 30, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। फिलहाल हमें इतना याद रखना है, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर 90 तक जाएगा। अब हमने ट्रिक्स लिखना है, साइन के लिए कैसे वैल्यू निकलेगा। साइन थीटा, थीटा कोई भी, थीटा एंगल का नाम है, इस थीटा पे कोई भी वैल्यू हो सकता है इनमें से, ठीक है। साइन थीटा के लिए हमें करेगा अंडर रूट, ये पता है ना, अंडर रूट। साइन के लिए होगा फिंगर बिलो, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय टू, ये करके हमने साइन का सारे वैल्यू निकालेंगे, जो चाहिए वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बोलो साइन किसका निकालूं मैं, साइन, साइन 45 निकालूं, थीटा का वैल्यू हम 45 लेंगे, ठीक है। अब फिंगर बिलो, अंडर रूट के अंदर, रूट सिर्फ ऊपर है, फिंगर बिलो 45 ये है ना, बिलो कौन सा होता है, नीचे वाला होता है ना, 45 वाला फिंगर के नीचे कितने फिंगर है, 1, 2 फिंगर्स है ना, अंडर रूट के अंदर 2/2। ये वैल्यू थोड़ा सा टफ है, आपने ये वाला चूज किया ना, इसको थोड़ा रेशनलाइज करना पड़ता है, ऊपर वाला रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज आई थिंक सबको पता होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। अंडर रूट इंटू अंडर रूट, अंडर रूट का स्क्वायर होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, क्या आया, रूट टू कैंसिल हो गया, 2/2 अंडर रूट 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो 1/√2, क्या आया साइन 45 का कितना आया, आप चेक कर सकते हैं इससे कितना है, दिख रहा है, घर जाके ये चेक करना, ठीक है। अब दूसरा कोई लेंगे, साइन 30 लो, साइन 30 डिग्री, फिर से वही अंडर रूट के अंदर क्या करना है, साइन 30 इधर है, ये वाला फिंगर नीचे कितना है, 1/2, अंडर रूट ऑफ 1 मतलब 1/2, साइन 30 1/2 होता है। पूरा टेबल करने की, बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा ये वाला मेथड यूज़ करके ये लिख सकते हैं। अब सारे डिग्रीज आप फिल करके ये वाला फॉर्मूला लगा के ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम कोस के लिए देखेंगे, एक सेकेंड, अभी मुझे बताना है, अभी मुझे कोस का भी बताना, पूरा कंप्लीट करते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा के लिए सेम है, फिंगर अबव लिखना है, इस टाइम पे हमने फिंगर, फिंगर्स अबव, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब कौन सा निकाल लूं, कोस, कोस 60, चलो कोस 60। अब देखो फिंगर अबव कितना है, अबव कितना है, 1/, नीचे है रूट 2 अंडर रूट 1 का 1/2, कोस 60 1/2 होता है, yes, टेबल पे देखना कोस 60 का 1/2 होता है। एक और देखना है या नहीं, चेक करना है, yes, कौन सा कोस, कोस 0, कोस 0, कोस 0 यहाँ पे है, इससे नीचे कौन सा है, कितने फिंगर है 0 के नीचे, 0, 0 बाय अंडर रूट 0 मतलब 0/2 किसी, अच्छा सॉरी, अच्छा बताओ, अबव 1, 2, 3, 4 अंडर रूट 4/, अंडर रूट 4/2 अंडर रूट का 4 अंडर रूट कितना है, 2/2 कैंसिल आउट 1 cos 0/1, ठीक है। अब सिर्फ, अब हम 10 का देखते हैं, मैच में भी बोर हो रहे हैं, हाँ, यस, क्योंकि सबके माइंड में ये हुआ है ना कि मैथ्स को पढ़ना ही नहीं है, हमने छोड़ना है भाई मैथ्स,
टेन थीटा के लिए हमने साइन और कॉस को डिवाइड अगेन, ऊपर फिंगर एबव फिंगर बिलो करना है, नीचे अंडर रूट के अंदर फिंगर एबव, ठीक है। अब कौन सा निकालूं, देन टेन नाइन्टी डिग्री, 90 के बिलो, बिलो कितना है, चार है, नीचे एबव ज़ीरो है, किसी के किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करो तो वो नॉट डिफाइन, अभी तक कुछ पता नहीं इसका वैल्यू कितना आना है, इसलिए इसका आता है नॉट डिफाइन, अभी तक इसका वैल्यू नहीं पता है, 10 90 डिग्री का अभी तक कोई वैल्यू नहीं पता है। 10 45 निकालो, फिंगर एबव बिलो है ना, पहले फिंगर बिलो टू, फिंगर एबव अंडर रूट टू कैंसिल, 1 10 45 1, ठीक है। अब सिर्फ इन तीनों का हमें क्या है, फॉर्मूला है, इसी हिसाब से चलेगा, बाकी इसके बाद कौन सा आता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कोसेक को हमने कोसेक का पता है ना, कोसेक को साइन का उल्टा लिखना है, टेन को कोट का उल्टा है और कोस सेक का उल्टा है, ये जो वैल्यू आया उसको उल्टा रेसिप्रोकल कर देना तो उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसी हिसाब से आपका टेबल पूरा मतलब प्रिपेयर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, वैल्यू इजी है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैथ से कभी डरना नहीं है, ठीक है, हर चीज़ में मैथ होगा, ऐसे मैथ का फुल फॉर्म लिखता है कि मेरी आत्मा जो मचद है ना, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, ये बच्चों ने फुल फॉर्म लिखता है, अब इसको छोड़ देना है, आत्मा नहीं आएगा, अब इसको बोलना है कि मैथ से ही तो हुआ क्या, MAT मैथ से ही क्या है हुआ होगी सफल, MATHS मैथ्स आने से तो हुआ हासिल, सफलता हुई हासिल, ऐसा कुछ है, सफलता आएगा मैथ्स, हर जगह मैथ्स आएगा, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है, मैथ्स से डर जाएगा। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो इसको कहते हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, आप लोगों के स्कूल में होगा ना, है ना, तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम बहुत सारे फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जैसे एक अच्छा खासा आपके हाथ में मोबाइल होगा तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप गूगल करते हो, यूट्यूब सर्च करते हो, है ना, कोई भी अगर 3D एनिमेशन देखना होगा आप मोबाइल से देख लेते हो यूट्यूब से, वैसा ही यहाँ भी हम बच्चों को उसी पर्पज़ के लिए ये बोर्ड यूज़ करते हैं, इसके अलावा लेक्चर भी हम देते हैं वो भी इसमें है, इसमें ऑप्शन वो आपको सर बताएंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों को हम यूज़ करते हैं ये बोर्ड एनिमेशंस दिखाने के लिए, ठीक है, जैसे कोई 3D स्ट्रक्चर दिखाना होगा तब हम YouTube में ऑलरेडी हमने ईमेल लॉगिन किया हुआ है, हम डाउनलोड करके रखते हैं वीडियोस और उनको डेमो दिखाते हैं इसमें लाइव एनिमेशन, ठीक है। और जैसे 9th क्लास में है आप लोगों का डाइवर्सिटी, उसमें पहला फाइलम एनिमल का पोरिफेरा है ना, उसमें ये बताया कि पोरिफेरा एक ऐसा एनिमल है, दिखने में तो वो प्लांट जैसा होता है, समंदर के नीचे पता है ना, समंदर के नीचे आप देखते हो टीवी पे वो प्लांट जैसे होते हैं कि नहीं, वो एक्चुअल में एनिमल्स में आता है, फिर बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं, दिखने में वो प्लांट्स जैसे, उनका ना मुंह है पैर है, वो कैसे काम करते होंगे, सो ये सारा चीज़ उनको क्लियर करने के लिए हम इसको इनको इस बोर्ड पर दिखाते हैं। जैसे स्पॉन्जेस का हमें अगर दिखाना होगा तो एक छोटा सा वीडियो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से मैं साउंड कम रखती हूँ, इस तरह से इनको हम डेमो दिखाते हैं स्पॉन्जेस का कि कैसे स्पॉन्जेस होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से बच्चों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि स्पॉन्जेस एक्चुअल में होते क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है, क्योंकि इनमें कोई हम लोगों की तरह वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो ये यूट्यूब का पर्पस हम इसी इस बोर्ड में हम यूट्यूब इसी तरह यूज़ करते हैं, बच्चों का कोई भी कंसेप्ट डायग्राम अगर बुक में क्लियर नहीं होगा हम ये
पैनल यूज़ करके उनको वो क्लियर करते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास एक और ऐप है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का सिमुलेशंस हैं, एक्टिविटी जिसमें हम बच्चों को खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करते हैं यहाँ बोर्ड पर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ रखा है इलेक्ट्रिक सर्किट का, इस ऐप को आप ओपन करोगे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का सिमुलेशन मिलेगा एक्सेप्ट इंग्लिश, ठीक है। तो अभी मैंने दिखाने के लिए फिजिक्स का एक इलेक्ट्रिक सर्किट का कंसेप्ट रखा है, आप बच्चों को खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कर सकते हो यहाँ पर इस ऐप के ज़रिए, ठीक है। जैसे कि हम बताएंगे बच्चों को इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्लोज्ड और ओपन सर्किट का कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा, क्लोज सर्किट होगा तो करंट पूरा फ्लो होगा, ओपन रखेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, वो चीज़ यहाँ पूरी तरह से डेमोंस्ट्रेट करके हम दिखाते हैं। आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमें क्या चाहिए, वायर चाहिए, ठीक है, तो हम वायर को ऐसे जोड़ेंगे, है ना, और हमें क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, है ना, और हमें क्या चाहिए, पूरी तरह से कनेक्ट करना है ना, ये हमारा पूरा क्लोज सर्किट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट सर्किट है ना, और हमें बल्ब चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि वेदर करंट फ्लोज और नॉट, है ना, चाहिए कि नहीं। तो इस तरह ये अभी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन हम यहाँ बच्चों को खुद ये चीज़ दिखाते हैं, खुद आके ड्रॉ करते हैं, ताकि बच्चे जब प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता है तो उनको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो फिर स्विच डालेंगे, ये रहा, अब ये अभी क्या है, स्विच ऑन है, ठीक है, तो अगर हम इसको ऑफ है सॉरी अगर हम इसको ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। देखिए इस तरह हो रहा है ना, तो ऐसे हम बच्चों को प्रैक्टिकल इन्वॉल्व। इसके अलावा ये आपको क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, आप इनको कन्वेंशनल करंट फ्लो भी दिखा सकते हैं। कन्वेंशनल कहाँ से फ्लो हो रहा है, देखिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल क्या है वो उतना डिटेल में नहीं बताऊँ, मैं शॉर्ट में बताऊँगी। कन्वेंशनल मतलब पहले ऐसा मानते थे कि करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने प्रूफ किया कि करंट एक्चुअली फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो वो कन्वेंशनल जो है ना वो उल्टा डायरेक्शन आपको उल्टा दिखाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट ही नहीं, बहुत सारे हर एक केमिस्ट्री का भी है, हर एक सब्जेक्ट का इसमें सिमुलेशन है जिसमें आप बच्चों को खुद इन्वॉल्व करके दिखा सकते हो, वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो, और वैल्यूज़ रेजिस्टेंस अगर आप यूज़ करोगे तो वैल्यूज सारा डाल के। इसके अलावा हमने इसमें बच्चों को कभी भी कोई काउंसलिंग करनी होगी हमें, तो हम उनको यहाँ लाते हैं, और हमने ऑलरेडी स्लाइड बनाया हुआ है, जैसे इमोशनल वेलबींग में अगर हमें उनको इमोशनल और हेल्थ के बारे में काउंसलिंग करना होगा, वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स एंड एक्टिविटीज़ आल्सो इन्वॉल्व इन दिस। हम एक्टिविटीज़ उनको देते हैं और स्लाइड के थ्रू हम उनको उनका इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ जो है उसको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को ये सब भी अच्छे से पता चले, ठीक है। और इसके अलावा इसमें इजी नोट, जैसे आप नोट 5 और इजी नोट देख रहे हो, ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑलरेडी डिफरेंट लेक्चरर्स का जो है लेक्चर जो है इसमें अलग सब्जेक्ट्स पर ऑलरेडी डाउनलोड है, और हम इसको बोर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा डेमो इब्राहिम सर दिखाएंगे। थैंक यू। मैंने आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये पैनल कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया, तो मैं सिर्फ यहाँ पे टाइम नहीं इसलिए सिर्फ बोर्ड कैसे यूज़ करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक यहाँ पैनल पे बोर्ड कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो ये बोर्ड जिस तरह हम क्लास में वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह बोर्ड यूज़ करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये हो गया इसका पेन, तो वैसे भी आप लोग करते होंगे स्कूल में सब सॉन, तो क्लास हम ये पेन लगा कर के हम यहाँ पे मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह हम यहाँ इसको डस्टर रफ कर सकते हैं, इरेज करके यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे एक पूरा क्लास बनाया हुआ था, तो सर ने कहा कि टाइम की वजह से वो क्लास आप लोगों को पूरा नहीं देख पाएगा, तो हम यहाँ पे फाइल बना करके क्वेश्चन मतलब कुछ भी लिख करके कुछ भी पढ़ वो करके हम यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना होगा तो अगर कुछ हम यहाँ पे लिखता है तो हम इसको हम फाइल बना सकते हैं इस तरह, यानी कॉपी करके हम इस तरह अब सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी या इस तरह हम बना सकते हैं तीसरा कॉपी, इसको हम इसी तरह हम सेव कर सकते हैं। इसको सेव कैसे करना है, हमको यहाँ पे जाना है सेव, यहाँ पे जाके इधर जाके उसको सेव करना है, सेव करके हमें यहाँ पे कुछ फाइल का हम नाम डाल के हम इसको सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको मतलब सेव करना है ABC लगा करके हम इसको सेव कर देना है। तो
तो इस तरह हम सेव जो हमने पहले जो सेव किया उसको भी हम देख सकते हैं, यानी वो कैसे देखेंगे, यहाँ पे फाइल्स में हम जाके यहाँ से सेव करें देखेंगे। तो मैंने एक आप लोगों के लिए एक पॉलीनोमियल का क्लास बना के रखा था, तो सर ने बोला टाइम की वजह से आपको क्लास डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो बस आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ हम कैसे सेव किया वो। तो दस हम मतलब पहले से बना के रख सकते हैं, दूसरा बता चाहता हम ऐसे ही अगर हम सेकंड पेज पे जाएगा तो कैसे करना है, या हम इसके ऊपर यहाँ लिख भी सकते हैं। तो इसमें यहाँ मंगा दस पॉलीनोमियल जैसे कि वेरिएबल अगर बच्चों को समझाना होगा तो हम इसके ऊपर ही लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट जैसे कि एक्स वाई या एक्स वाई का डिपेंड हम इसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जर लगा करके दूसरा वहाँ दस लिखना है उसको होगा देखा ना। हम इसको रब भी कर सकते हैं इस तरह शिक्षक दोनों दस होगा तो पेज खचिक चोचन मैंने इसको हम सेकंड पेज पे इस तरह सेकंड पेज को आप इसको समझाने के लिए पहले हम आते चो सका तो जानो उसको समझाने के लिए हम इस तरह यूज़ करते हैं क्वेश्चन वेक्स अगर तो क्वेश्चन चुकी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है सॉरी सॉन यहाँ पे आता क्वेश्चन चुता हूँ सेवन एक्स स्क्वेयर इसमें हमें एक्स एक्स स्क्वेयर को क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन बताना है तो हमें यहाँ लिख सकते एक्स क्वेश्चन स्क्वेयर क्वेश्चन पूछिन सेवन इन द एक्स स्क्वेयर क्वेश्चन पो दरअसल एक्स का क्वेश्चन चिन्ह फोर तो हम इस बोर्ड के जरिए हम ये सब बच्चों को बता सकते हैं। बाकी सर ने कहा ज़्यादा टाइम नहीं है थैंक यू। इसके अलावा हम यहाँ इस सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट आप अलग रख सकते हो साइट पे ठीक है। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, जब हम लेक्चर लेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, कोई बच्चा अगर आज एब्सेंट है वो नेक्स्ट डे आके वो रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं ठीक है। तो इस तरह आज इजी नोट का भी एक बच्चों को ये है सिमुलेशन इजी नोट का सर वो इजी नोट आना आता है यहाँ पे हम प्लैनेट दिखा सकते हैं मैथ के हम फिगर बना सकते हैं सॉ तो हम यहाँ पे जाके मोर में जाना है मोर में जाके आता हूँ फार्मूले मैथ्स के फार्मूले प्लैनेट के बारे में रूलर्स है ज्योमेट्री आता हूँ प्लैनेट जैसे कि हम अर्थ देख सकते हैं सॉ अर्थ आता हूँ गर्थ वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं सॉ आता जूम बाय क्वेश्चन जूम वाइचन सॉ इसको हम जूम भी कर सकते हैं इसको हम छोटा भी कर सकते हैं सॉ अंडू करके यहाँ अगर ज्योमेट्री का कोई दिखाना होगा यानी ज्योमेट्री का फिगर चुनना आते यहाँ पे अगर सर्कल चुनना तो सर्कल इस तरह हम सर्कल बना सकते हैं यहाँ पे हवा सीधा आता जी के खोसे हम पेन नचुन दोपहर क्वेश्चन में डाउनलोड में खुदिया इनबिल होते हैं सर हम ओ इनबिल पूरे होते हैं फार्मूला आया जी आते क्वेश्चन चीज भी ना वो सीधा सॉल्व होते हैं डायरेक्ट वो था ना रूलर हाँ जैसे रूलर दिखा दे एंगल एंगल पता कर सकते सो आता एंगल का जो हम पूछा समझे बच्चा एंगल 90 85 90 120 एंगल हवा तो इस तरह हम बच्चों को बता सकते हैं हम इसको सीधे लाके यहाँ रखेंगे और वैल्यूज पुट करके यहाँ हम बोर्ड से पेन से लिख भी सकते हैं साथ साथ ठीक है ना। तो इस तरह से हम उनको एक इंटरैक्टिव क्लासेस देते हैं। गेस्ट टूर्ना में वेलकम करता हूँ कि हायर सेकेंडरी स्कूल पश्चिम में आप लोग ट्रेनिंग ऑफ स्कूल के लिए आप यहाँ पे आए तो हमारे ये स्कूल के लिए जो एस्ट्रोनॉमी लैब है नया ही आया है ज़्यादा इसमें जो यहाँ पे आप लोग टेलीस्कोप वगैरह देख रहे हैं अभी फ़िलहाल ये हमारा इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है तो आप लोगों को मैं एस्ट्रोनॉमी लैब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँगा। एस्ट्रोनॉमी लैब किससे कहते हैं कि आप कल को बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद जाएंगे कि घर जाके पश्चिम हाई सेकेंडरी में हमने एस्ट्रोनॉमी लैब देखा है लेकिन बच्चों को हम इस चीज़ के लिए इन डिटेल हम ब्रीफिंग करना चाहूँगा। एस्ट्रोनॉमी लैब इज़ द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर जैसे कि आप सब जानते हैं कि ना कि प्लेनेट मीन पो आते अर्थ के बाद अर्थ के अराउंड हमारे पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मीन्स मिक्सचर ऑफ गैस जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ को चारों तरफ से हमारे पास सराउंड किया हुआ है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होते हमारे एटमॉस्फेयर नहीं होते लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते। तो
तो बड़ी बात है कि अर्थ के ग्रेविटी की वजह से अति सरफेस ऑफ द अर्थ पहुँचता है जो एटमोसफियर है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि एस्ट्रोनॉमी लैब में यूनिवर्स के उन चीज़ों को जिसको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं गाँव अति बियॉन्ड हमारे पास एटमोसफियर के बियॉन्ड से। अब इसमें हमने देखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं यूनिवर्स में जो कि हम नेकेड आंखों से हम देख सकते हैं, जिसमें हमारे मून आते हैं, सन आते हैं और स्टार आते हैं जो कि हम नेकेड आंखों से हम देख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि हम सिर्फ टेलीस्कोप वगैरह के ही क्या बोलते हैं इसको टेलीस्कोप के ही थ्रू हम देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास टेलीस्कोप के थ्रू हम फार अवे गैलेक्सीज और टाइनी पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं उनको हम देख सकते हैं, इन टेलीस्कोप्स के थ्रू हम देख सकते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पे जो टेलीस्कोप्स हैं वो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुए, ठीक है जो। इसके बाद हम आप लोगों को यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी लैब में हम डिफरेंट हमारे पास जो मॉडल्स यहाँ पे पड़े हुए इनमें सबसे हमारे पहले हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जैसे कि हमारे प्लेनेट अर्थ का तीन लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट जो हमारे आउटर लेयर आते हैं जो कि अभी हम सब रह रहे हैं उस एरिया को हम आउटर क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद सेकंड लेयर हमारे पास आते हैं मेंटल आते हैं। इसके बाद लास्ट वन हमारा जो इंटीरियर पार्ट आते हैं उसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे ये मॉडल ऑफ द एयर जिसे हम ग्लोब कहते हैं, जैसे आप सब इसके बारे में तो जानते ही। इसके बाद हमारे पास सन आ गया। सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से जो हमारे कायनात यहाँ पे जो प्लेनेट अर्थ है जितने भी हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो जो भी हो सोर्स हमारे पास एक ही है वो हमारा सन है, ठीक है। जिस तरह से हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर सेम इज देखिए हमारे यहाँ पे भी अर्थ पे भी हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिशन होते हैं। सेम इज देखिए यहाँ पे भी हमारे पास तीन लेयर्स आते हैं, ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास यहाँ आते हैं सर न्यूटन्स क्रेडल। न्यूटन्स क्रेडल के बारे में आपने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ है। न्यूटन्स क्रेडल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि न्यूटन्स ने दिया है, जहाँ पे हमने देखना है कि टू बॉडीज़ के मोमेंटम को मान के चलो दू अति चिंग एनर्जी अति मोमेंट बॉडी की दू ना अति बॉडी से, ठीक है। दी बॉडी खो खुरी पोजिशन पे होते ना खो खुरी मास सोचिन खुरी टाइम मास सोचिन गाँव आता यूटिलाइज छाना बराबर दी कना आते दी के बना खो बराबर आका अगर जरा चीज रुकी द प्रिंसिपल स्टेट द टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब दो चीज़ आपस में टकराते हैं कोलिजन पहले से जो उसके मास थे कोलिजन होने के बाद भी मास सेम रहता है, गाँव आता है न्यूटन इज, ठीक है जो। इसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास मिनरल्स पड़े हैं वो सब हमारे एक टेलीस्कोप्स के पड़े हैं, ठीक है जो। इसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे ये हमारा रॉकेट का मॉडल है जो यहाँ था कि स्पेस से हमारे पास जो रॉकेट छोड़ते हैं उसका यहाँ पे मॉडल है, ठीक जो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे न्यूटन्स का न्यूटन से जिंद की जो हम सर दरंग आता है विजिबल लाइट मंगाता है कर्पिक होते हैं इन आते डिटेल का तोलता नंगाता है जो सेवन कलर जिसको वेब गायर आते हैं रेनबो से बाद देना कलर पंगाते हैं जिसकी एट पोज रोटेट बना रोटेशन बिछाने की छिनो कर्पोत होते हैं। इसका एक्सप्लेन करता है कि आता है दी चीज़ को रोटेशन ऑफ द एट की वजह से आती सरफेस पे होता लाइट भी कलर पे चुकी होती वाइड होती है, ठीक है जो। इसके बाद जो आती है थ्री डी आता गाँव आते थ्री डी ग्लास जिसे हम कहते हैं सो सो दी चीज़ उलते फिलहाल गांग आता है पूरा थ्री डायमेंशन पर पहुँचिन फिलहाल आचा दू इंस्टॉल माबा ने यूटिलाइज माचन इतना कह सकता हूँ कि दू आता है थ्री डी ग्लास गांग आते हैं पूरा थ्री डी इमेज बोलते हैं फिलहाल आते इस्तेमाल बचें, ठीक है जो। इसके बाद दू आता यहाँ पर हमारे पास डे और नाइट कैसे बनते हैं। इसके बाद आते मौसम चार पुंग आता गसूल जनमत इसके लिए आते जैसे कि सर एयर पुस्त दो मोशंस करते हैं, एक हमारे पास रोटेशन आते हैं एक हमारे पास रिवॉल्यूशन आते हैं। रोटेशन की वजह से हमारा क्या बनते हैं डे एंड नाइट बनते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे जो चार सीजन से वो बनते हैं, ठीक है जो। यूँ आता दे उधर एक्सटेंशन सर सन और उसके नाइन प्लेनेट अभी हमारे पास एट प्लेनेट ही है, नाइन प्लेनेट जो हमारा प्लूटो था वो उसको हम डिवॉर्फ प्लेनेट में काउंट करते हैं। डिवॉर्फ प्लेनेट जब है ना हर एक प्लेनेट का अपना एक ग्रेविटी होता है जिसकी वजह से खून खूनते हैं इसको बार पहनते हैं और जिसको हम बेल्ट्स कहते हैं उधर बेल्ट्स उन्हें एस्टेरॉइड्स वगैरह आते हैं छोटे पार्टिकल्स खून तो क्षमता को मतलब गॉड डिस्ट्रॉय बात सोचो प्लेटो में वो क्षमता नहीं रहा है सोचो इसीलिए खो उधर चीज़ को ख़त्म छाना इसको नाता ची बस एस्ट्रोनॉमर सुनी दुआ आता आता डिवॉल्व प्लैनेट्स रिकाउंट बस अब हमारे नाइन प्लैनेट्स गचो रिवॉल्व बाद उधर चीज़ मंगाता दिखता नहीं दी मॉडल ठीक तो जो एंड लास्ट वन आती है आओ आता टाइम पर गचो शायद बस ठीक है। थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू।
बाशिर बाशिर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू फिजिक्स केमिस्ट्री ना फिजिक्स केमिस्ट्री सर ये फिजिक्स के सर मैं फिजिक्स लेक्चरर है सर मैं नाम गणित केमिस्ट्री लेक्चरर है ठीक है बाकी तरह मनी रहा है कुछ मतलब स्कूल में था सिलेबस के हिसाब से चीज एक समझ क्वेश्चन दो पूरा है कंप्लीट हो जाता है चार मतलब पूरे एक ठीक है बहुत अच्छा सो स्पेस एक न्यू तोजन होता है हां बिल्कुल निंदो का सर हां ये सब बोलने के ये चैनल है अच्छा बोल माता पूरा एक पूरा रानी मॉडल होता है चैनल शू से रोजन है उसके सर गेट पर सर गेट पर जो ताजा पूरा टू लगता है सर ने लाना था स्पेस चैनल से हम लोग कुल चाहता सर आता से इधर डेमो हो रहा है इधर डेमो हो रहा है हां सर दूसरा फिलहाल मजा अस्सलाम वालेकुम ये सर ये हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का लैब है सर ये है सर हमारा जिन्ने भी यानी सिलेबस के हिसाब से हमारे यहाँ इक्विपमेंट है सर नाइन और इसमें वो वाला हमने अभी साइड में किया सर एलेवन और ट्वेल्व के जो है वो वहाँ पे रखा सर नाइन और टेन में जो ज़रूरत होता है वो सारे हमने यहाँ पे टेबल पे रखा है सर ये है सर इसको कहते हैं सर रेजिस्टेंट बॉक्स है सर यहाँ से तकरीबन वन से लेकर हंड्रेड थाउजेंड ओम्स रजिस्टर है सर ये इक्विपमेंट है सर ओम्स ला यहाँ से क्या वेरीफाई करते हैं सर कितना यहाँ से करंट यहाँ से कितना वोल्टेज करे यहाँ इसको देखो सर यहाँ से इसको वेरी होता है सर जितना ये वेरी करेगा उतना ये वेरी होता है सर यहाँ से ओम्स ला वेरीफाई होते हैं सर ये है सर इसको कहते हैं सर गैल्वेनोमीटर यहाँ से वेरी वेरी स्मॉल डिटेक्शन और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज दोनों यहाँ से डिटेक्ट हो सकता है सर यह है सर वोल्टमीटर यहाँ से वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है सर यह है सर इसे करंट एम्पियर यानी करंट इसको मेजर किया जाता है सर यहाँ से ये वेरी स्मॉल यानी माइक्रो में है सर यह है सर प्रिज्म है सर यहाँ से ये वाला चीज़ है सर यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या और डिस्प्रेशन ऑफ लाइट यहाँ से दिखाई देता है सर ये वाला है सर ये है ग्लास स्लैब यहाँ से यानी लाइट यहाँ से थ्रू होने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट यहाँ से बेंड होता है वो यहाँ से ये दिखा देता है सर और ये वाला सर इसको कहते हैं सर ऑप्टिकल बेंच यहाँ पे इसको मिरर होल्डर कहते हैं यहाँ पे इस लेंस होल्डर कहते हैं सर यहाँ पे लेंस ये वाला सर है कनकेव लेंस है सर क्योंकि बीच वाला बिल्कुल पतला है ये वाला मोटा है इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस बीच वाला मोटा ये वाला ये है सर यहाँ से रियल इमेज बनता है सर ये वाला है सर यहाँ से फ्रिक्शन को कितना यानी दो सरफेस के दरमियान कितना फ्रिक्शन होता है वो यहाँ से प्रूव करके देता है सर यहाँ पर हर कोई चीज़ यानी रख सकता है कितना ये फ्रिक्शन कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ से इसको कहते हैं पुली सर यहाँ से इस तरह इसको रखना होता है सर और यहाँ से इस तरह दिखा देता है सर फ्रिक्शन ये वाला है सर ये है सर सैंपल पेंडुलम नाइन क्लास में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से प्रूव करते हैं सर वो जो सरफेस ऑफ द अर्थ में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है सर वो यहाँ से प्रूव करते हैं सर यहाँ से निकाल देता है ये वाला इसको सैंपल पेंडुलम कहते हैं बाकी इसको मीटर ब्रिज कहते हैं सर ये है अननोन रेजिस्टेंस इसको डिफाइन किया जाता है इसको सोनोमीटर कहते हैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी यानी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है करंट की वो है 50 हर्ट्ज़ वो यहाँ से प्रूव किया जाता है ये है 9-10 में आता है इस ये है सोलर कुकर यहाँ से लाइट आता है फिर लाइट यहाँ पर फोकस किया जाता है सर ये है सोलर कुकर कहते हैं
बाकी केमिस्ट्री का सर सॉइल, ये वाटर बाथ जो रिएक्शन के लिए वाटर जो ज़रूरत होती है, हीटिंग, ये सॉइल है सर, सॉइल टेस्टिंग किट है सर, ये वाटर प्योरीफायर बाय टेस्टिंग टेस्टिंग है सर, ये माइक्रोस्कोप है वो डिजिटल वाई तो इनका पिना जो आपका ये जो आपका जो है पिन लाइक स्ट्रक्चर नीडल लाइक लीफ जो है ये एक साइन है टुवर्ड्स दी आपका एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो ये भी आपका एक फांस है जिन्हें हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं, क्वीन लाइक स्ट्रक्चर है फांस है, तो फांस का जो है ये जो मार्फोलॉजी है आपका यहाँ पे दिखाते हैं। ये राइजोपस है फंगी खासकर जो है आपका नॉन क्लोरोफिलस जो प्लांट्स होते हैं उनको हमने किंगडम प्लांट फंगी में पढ़ते हैं, तो फंगी में ही हमने एक स्पेसिमेन तो यहाँ पे रखा है जिसे हमने राइजोपस कहा। राइजोपस की मार्फोलॉजी इसका जो हाइफी होते हैं इसका जो बॉडी होता है आपको पता है कि हाइफी जो है हम यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करते हैं इसमें क्या होते हैं। ये जो है आपका एक स्पेसिमेन आप जूलॉजी से आ गया जो कि एनिमल्स है, एनिमल्स में भी आपको पता है हायर एनिमल्स होते हैं लोअर एनिमल्स होते हैं कॉर्डेट होते हैं नॉन कॉर्डेट होता है, तो जो भी नॉन कॉर्डेट होते हैं उनका हम लोअर एनिमल्स में पढ़ते हैं। तो लोअर एनिमल्स में जो आपका एक प्राण का स्ट्रक्चर हो गया आर्थ्रोपोडा फाइलम में आ गया, आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो है ये प्राण का स्ट्रक्चर जो है मेरीन एनिमल है तो ये आपका मेरीन वाटर एनिमल है, तो इसमें जो है आप बच्चों को जो है इनका मार्फोलॉजी मार्फोलॉजी समझाने की हम कोशिश करते हैं। ये आपका जो है पाइसिस है मतलब फिश हो गया जो कि एडिबल है मार्केट में भी अवेलेबल होता है, लेबियो रोहिता जिसको कहते हैं प्रोटीन रिच होता है तो न्यूट्रिशियस इसका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है फिश को हम इनका मार्फोलॉजी स्ट्रीमलाइन कैसे है अकॉर्डिंग टू वाटर में जब आते हैं तो बस मार्फोलॉजी से हमें उसका पूरा हैबिटेट जो है डायरेक्टली बता सकते हैं। जब वाटर में बैठेंगे तो इसका बॉडी स्ट्रीमलाइन होगा, इसको जो है आपका जो बॉडी जो हुआ जैसे कि आपका वाटर होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस जो वाटर देते हैं उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इसका स्ट्रीमलाइन जो है वो मार्फोलॉजिकली अडॉप्टेड है। यहाँ पे जो है आपका एक और हमने स्पेसिमेन रखा है टॉर्पिडो, टॉर्पिडो ये फिश तो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इनमें, तो ये जो टॉर्पिडो है ये एकाइनो एक्थिस मतलब कोंड्रियो एक्थिस, कोंड्रियो एक्थिस मतलब की कार्टिलेजियस फिश हो गया जो कि जिसको हम टॉर्पिडो कहते हैं। टॉर्पिडो की जो प्लान ये जो आपका एनिमल है ये इस एनिमल में क्या है कि आपको जो है नॉन बुनी फिश हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे स्टार फिश है एस पर नेम नए स्टार है नए फिश है, जब ये आपका वाटर में मिलते हैं तो फिश बोलते हैं, शेप की बेसिस पे स्टार्स बोलते हैं। एक्चुअल में जो फाइलम जो है आपका एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग्स करता है, इसमें जो है आपके एकाइनोडर्मेटा में इसका जो हार्ड सिकेटर सिलिका का जो स्केलेटन होते हैं हम इसका मार्फोलॉजी बच्चों को बता देते हैं। ये आपका फ्रॉक है हमारे यहाँ पे भी होते हैं, इसका फ्रॉक का कलर आपको पता है कलर कोमोफिलेज कलर दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखो कोमोफिलेज की एक साइन है यहाँ पे ब्राउन बिल्कुल है, तो मतलब हम ये बता सकता है कि ये जो है डिजर्ट में होगा ये लद्दाख में जैसे हमारे जैसे कि रॉक्स जैसे रॉक्स में ऐसे बैरन रॉक्स में जो होगा, अगर ग्रीन होगा तो अगर जैसे कि ग्रास अगर हैबिटेट होगा तो ये ग्रीन होते, तो कैमोफ्लेज यही हो गया अकॉर्डिंग टू हैबिटेट आपकी कलर चेंज करते हैं। बेस्ट साइन है मॉर्फोलॉजी, हम इसका जो है मेटामॉर्फोसिस बहुत बड़े तरीके से हम इसका फ्रॉक्स में हम दिखाते हैं इनका मेटामॉर्फोसिस क्या होता है पूरे लाइफ स्पेन में हाँ चेंज करते हैं इनका अपना शेप, तो ये हम बच्चों को बताते हैं आप लोगों को बोलने के मतलब। तो ये आपका होनी भी का एक स्पेसिमेन हमने रखा पूरा लाइफ साइकिल को समझाने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिकली आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल है आपका जो है आप इसको एक कमर्शियल लेवल पे जो है हनी बी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम बच्चों को 9-10 के बच्चों को जब हम इनकी कंसेप्ट दिलाते हैं तो इनको फ्यूचर में जो है हमने आपको सिक्योर फील करने में बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि खासकर हम इन पे अगर इंपॉर्टेंस है बच्चे थ्योरी तो बहुत पढ़ते हैं मगर बहुत सारे जो है साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमने बहुत देखा साइकोलॉजिकली जो है बच्चे जो है क्योंकि पढ़ते पढ़ते उनको लगता है कि भाई आगे तो कुछ है ही नहीं है इन्हों को जॉब में से क्या नहीं मिलता। अगर हम ऐसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया पोल्ट्री हो गया चीज की होनी भी कल्चर हो गया एपी कल्चर इस चीज़ों के बारे में हम बच्चों को अभी से क्या क्या हमें करने से क्या क्या आते हैं तो बच्चे जो है इजीली इनको इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई हाँ भाई तो इसमें तो कोई एप्लीकेशन है जरे। फिर हमारा जो है एप्लीकेशन में हमें आपको पता है जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में आपके सॉइल टेस्टिंग का आता है, पीएच को देखना होता है मीडियम पीएच क्या है, तो हम पीएच का जो है यहाँ पे स्केल इस्तेमाल करते हैं, ये आपका पीएच स्केल है हमें इलेक्ट्रॉनिक पीएच स्केल है, पीएच स्केल के थ्रू हम किसी भी लिक्विड मीडियम का जो है पीएच को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है, इस इलेक्ट्रोड को हम इमर्स करते हैं उस किसमें सैंपल में, तो उस सैंपल में जब हम इमर्स करेंगे तो ये अपना जो है रीडिंग दे देंगे यहाँ पे यहाँ एक और इस पे क्या मीडियम है पीएच जो है पीएच रेंज में जो है ये क्या है एसिडिक है बेसिक है या न्यूट्रल है पोटेरिक है क्या है वो सभी हमें पता चलते हैं।
तो ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वाइंग बैलेंस हो गया। इससे हम केमिकल्स जो है वो हम वे करते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट में लेना होता है यहाँ पे हम वे कर देते हैं। तो ये तो आपके ग्लास वायर हो गया। आमतौर पे जो है लेबोरेटरीज में जो है हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम हर जगह जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी जैसे कि ये इनकी जो है हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे जब बच्चे आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हमें पूरा जो है ऑप्टिकल सेक्शन है, मेजर इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे रखा है। तो हमें बहुत जरूरत होता है ये डायसेक्शन माइक्रोस्कोप। डायसेक्शन माइक्रोस्कोप हम जब फ्लावर का मार्कोलॉजी बताते हैं उनको, फ्लावर कोई भी जब हम फ्लावर पढ़ाते हैं मार्कोलॉजी पढ़ाते हैं तो उनको समझ नहीं आते क्लास। तो हम क्या करते हैं वहां से लाते हैं उसको, डायसेक्ट करते हैं फ्लावर को हम ऐसे, या तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से हम उसको काट के यहाँ पे देते हैं। तो इसके कंपोनेंट जो है हमें इजीली यहाँ से देखते हैं कि भाई इसका स्टेमन कौन सा है, इसका जो है आपका स्टाइल कौन सा है, पिस्टिल कौन सा है, सारे चीजें जो है यहाँ डायसेक्शन माइक्रोस्कोप से हम इजीली उनको समझा सकते हैं। ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम जो है जो कि सेल का जो आउटलाइन स्ट्रक्चर जो है उनको हम इजीली देखने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन है आपके एनाटॉमी जो पोर्शन आता है, तो एनाटॉमी में हम किसी भी प्लांट जो हायर प्लांट होते हैं उनकी जब हम लीव को या उनकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर को, नॉट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम टीएस काट के जो है हम इसमें स्टेन टेक्निक से, या तो अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी अवेलेबल आपके स्लाइड्स होते हैं उन ऑलरेडी अवेलेबल परमानेंट स्लाइड के थ्रू हम इनमें उनका एनाटॉमी या उनका जो है सेल की मॉर्फोलॉजी को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सॉइल टेस्टिंग किट रखा है, मॉडर्न बेस्ड है, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पहले हम क्या करते थे सॉइल में जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसीजर होते थे, आज इसको शॉर्ट किया, बिल्कुल बच्चों के लिए जो है पोर्टेबल बनाया, बहुत ही ईजी टू यहाँ पे हैंडल करने के लिए बहुत आसान है। कोई भी जो है बच्चा जो है अपने गार्डन में या कहीं पे भी ये इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सॉइल टेस्टिंग किट में जितने भी रिएजेंट जरूरत होते हैं उन रिएजेंट को यहाँ पे रखे हुए होते हैं, जितने भी यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने सॉइल टेस्टिंग किट से पीएच का सॉइल टेस्टिंग किट होते हैं हमने किया है, यहाँ पे किस सॉइल का पीएच क्या है, और पीएच के साथ साथ जो भी न्यूट्रंट्स हमें सबसे इम्पोर्टेंट, खासकर हमारे जैसे इलाकों में जहाँ पे जो है रिसोर्सेज बहुत कम है और आप रोज बरोज जो है पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होते जा रहा है, तो सॉइल टेस्टिंग किट का स्कूल में होना और इनकी टेस्ट करके जो है ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से भी हम सॉइल की मिनरल्स का भी टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि आपके मैक्रो न्यूट्रंट्स होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो भी आपके सॉइल की जो है, जो आजकल तो जो है गवर्नमेंट ने ऐसे भी सॉइल हेल्थ कार्ड बोल के बना रखा है, तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड हम खुद अपने लेवल पे भी स्कूल से ही हम इसको बच्चों तक समझा सकता है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो क्लिनिकल व्यू से जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड आज तो हर लोग जो है बहुत ही काशियत से अपने हेल्थ को लेके। तो स्कूल में बच्चों का सेफेक्मो मैनोमीटर जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेफेक्मो मैनोमीटर है जिससे हम अपने बीपी को मॉनिटर कर सकते हैं, बीपी देख सकता है कि बीपी क्या है। यहाँ पे इजीली रीडिंग जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, अगर आप में से कोई अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना बीपी जो है चेक करके ली जा सकता है। और दूसरा लाइब्रेरी का नाम दिया हमेशा खामोश, और दो लाइब्रेरी नंबर यूं चला बेखुरी अलमारी सामान दो नीरा शोर नंबर माना मिलवा मसाचा खामोश नंबर दबो बस सीचा खामोश नंबर या दो नीलाउड मीन ना नंबर कर मिस व्यवहार कर तुम फोन लॉन्ग टर्म ससुर बाकी नाची शोपन का मात्र डिस्प्ले बस आधे कर
Scripture. Yeah, that, then, 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 then.